यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और कौन सा करना है? फाइव सिक्स में से सिक्स का क्या किया आपने? इसकी इंटीग्रेशन क्या की? लॉग ऑफ सेवन माइनस सेवन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई सेवन, बताया भी था शॉर्टकट, एक्स के कोफिशेंट से डिवाइड कर दो। सही। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लगा? पावर रूल लगाया, पावर रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, साइन ऑफ टू एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स इज टू, इसमें क्या किया? साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है? डाउट है तो हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हमने करना है, नाइन हमने करना है, ठीक है, आपको पाँच मिनट वेट करना पड़ेगा। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू टी प्लस टू, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी? टी प्लस टू। तो एक बात बताओ मुझे, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है टी प्लस टू और मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, एक्स निकालना है। एक बात बताओ कि हमने डिफ्रेंसिएशन में क्या किया था कि अगर हमें एक्स गिवन है और हमें एक्स से क्या निकालनी है? वेलोसिटी, तो हम एक्स को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। और वी से अगर हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन, तो वी को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। अब उल्टा रूल है, ए से एक्स पे जाना है तो ए से अगर वी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। और अगर v से x पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो x से v पे आना है तो डिफ्रेंशिएट, v से a पे जाना है तो डिफ्रेंशिएट, a से v पे जाना है तो इंटीग्रेट, v से x पे जाना है तो एक बार और इंटीग्रेट। यानी कि अगर x से a पे आना है तो दो बार डिफ्रेंशिएट, और अगर a से x पे जाना है तो दो बार इंटीग्रेट। करें स्टार्ट। तो एक्सेलरेशन से सबसे पहले क्या निकलेगी? वेलोसिटी। पहले ए से वी आएगा, वी के बाद एक्स आएगा। तो एक्सेलरेशन होती क्या है बताओ? डी वी बाय डी टी। एक्सेलरेशन क्या होती है? डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू कितना? टी प्लस टू। कोई डाउट इसमें? एक्सेलरेशन इज क्या? डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू टी प्लस टू, राइट? यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी प्लस टू इंटू कितना? डी टी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास क्या आ गया? dv इज इक्वल टू टी प्लस टू इंटू डी टी। कोई डाउट इसमें? अलाउड है इसमें, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जो कितनी देर में एक्वायर हुई? इन स्मॉल टाइम डी टी। पर हमने क्या निकाली है? वेलोसिटी v। एक काम करते हैं, जैसे कोई भी अगर एक इक्वेशन गिवन है, कोई भी अगर एक इक्वेशन गिवन है, जैसे मैं दोनों इक्वेशंस या इक्वेशन के लेफ्ट और राइट को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, उसी तरीके से मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ। ये भी रूल है, जैसे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएशन अलाउड है, वैसे ही इक्वेशन के दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन भी अलाउड है। तो मैंने क्या कर दी? दोनों साइड की इंटीग्रेशन। अब फ़ायदा क्या हुआ? वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी? एक्स। वन डी वी की क्या होगी? वी। तो इसकी जगह क्या आएगा? वी। बात बन गई ना? ए से वी आ गया। इसको ओपन कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी टी, ठीक। तो वी विल बी इक्वल टू क्या आएगा यहां पे? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, यहां लिख रहा हूं मैं, टू कॉन्स्टेंट है और क्या बचेगा अंदर? वन डी टी। कोई डाउट इसमें? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म अलाउड है। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू इंटू वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो देखो किस तरीके से मैंने v निकाल दिया, a की हेल्प से मैंने क्या निकाल दिया? v निकाल दिया। तो सही तरीका है ना? तो डिफ्रेंशिएट करके x से v निकाला था, v से x आ गया। कोई डाउट इसमें? ये वो क्या होता है? सिंगल साइड इंटीग्रेट मतलब जो डबल साइड किया मैंने, तो
वो तो मैं क्वेश्चन पूछता था, लेफ्ट साइड देता ही था आपको तो क्वेश्चन में, वो तो देता ही राइट साइड था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कभी। पर जब इक्वेशन गिवन होती थी फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट और दोनों तरफ इंटीग्रेट, ठीक है यहाँ तक। अब v आ गया, v के बाद क्या आएगा, x। कैसे आएगा v, क्या होता है बताओ, डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी क्या आ गया, टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू टी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू टी, और पीछे क्या लगेगा, डी टी, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूँ फिर से एक बार, अलाउड है, मैंने लेफ्ट की तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दी और मैंने राइट की तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दी, क्लियर है यहाँ तक, अलाउड है। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इंटीग्रेशन को दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसे ब्रेक करते हैं, इसकी इसको ब्रेक करने पे क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू डी टी प्लस कितना, टू टी डी टी, ये लो। तो ये क्या आएगा, वन डी एक्स, हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, क्लियर है। वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। टी स्क्वायर की क्या होगी, टी क्यूब बाय थ्री, टी की पावर कितनी है, वन, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू, दिस इज द आंसर, एक्स आ गया। क्या सही तरीका है, ए से एक्स कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है। तो ए से एक्स में क्या करना है, आपने ए लिखा, ए को लिखा डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, वी आ गया, वी को लिखा डी एक्स बाई डी टी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, वन डी एक्स क्या होता है, एक्स। तो इंटीग्रेशन करके एक्स आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। कोई ऐसी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। v इक्वल टू u प्लस 18 नहीं लगा सकते अभी, इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, वो तुमने लगाई हुई है लेकिन तुम्हें लगानी आती नहीं, अब मैं लगा के दिखाऊंगा तुम्हें, अब कैलकुलस के साथ लगानी है ना। तो क्लियर है यहाँ तक, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो नई चीज़ पता लग गई, x से a कैसे निकलेगा, a से x कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जैसे इसलिए गूगल वाला आज कर देना, उसके लॉगिन आईडी कल आज आज से जनरेट होंगे मेरे को लगता है, वो भी बनाएगा लड़का बैठ के। तो वीडियोस के लॉगिन आईडी है अपना, वीडियोस के और टेस्ट के, तो टेस्ट का एक संडे, अब नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट होंगे, तो वो आईडी के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अभी तो हुआ नहीं ना, जब अनाउंस करूँगा तब तो आपको, मैं तो टेस्ट नहीं दे पाओगे, आप खुद ही मुझे कह दोगे सब बना के, तो रह भी गया तो कोई बात नहीं, संडे से पहले पहले करना पड़ेगा, इस संडे से पहले पहले।
ठीक है, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आता है इफ ए इज इक्वल टू बस टी फाइंड एक्स, तो क्या करें, ए को क्या लिखें, डी वी बाय डी टी, तो इज इक्वल टू क्या, टी, तो डी वी इज इक्वल टू कितना, टी डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये लो, ये मैंने क्या की, इंटीग्रेशन, वन डी वी क्या होता है, वी, इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, क्लियर है। अब v को क्या लिखेंगे, डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी की इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर बाय टू, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर बाय टू इन टू डी टी, दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन, ये देखो, तो वन डी एक्स क्या होता है, एक्स हाफ बाहर आ गया, तो आंसर क्या आएगा, हाफ इन टू टी क्यूब बाय थ्री आंसर, तो एकदम सही स्टेप है ना, फटाफट ए से देखते हुए कैसे एक्स निकलेगा, स्टेप तो सेम ही है, क्वेश्चन ही चेंज हो रहा है, बस ए चेंज होता रहेगा, एक्स चेंज होता रहेगा, यही मोशन का चैप्टर करता है। मोशन के चैप्टर में क्या करना है, या तो ए निकलेगा, एक्स से ए निकलेगा, ए से एक्स निकलेगा, आधा चैप्टर तो यही करता रहेगा, जिसको कैलकुलस आ गया उसको मोशन समझो आ ही गया, ठीक। पांच मिनट और, नए चैप्टर स्टार्ट होने में 5 मिनट और है, एंड के डाउट्स पेंडिंग थे हमारे। ठीक है, क्लियर है अभी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा काम था वो क्या था, ये क्वेश्चन था, तो कितने लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं ही कर देता हूँ, ये हो गया था, इसका आंसर क्या आया, अच्छा मैंने बोला ही नहीं करने के लिए, ओके, मैं तो बोला ही नहीं था सच, मैंने कहा था कि शायद 8 7 8 तक ही करना, ये तो मैंने मना किए थे, चलो मुझे ऐसा लगा कि शायद दूसरे बैच मैंने बोला होगा, पर चलो मैं करना चाहता हूँ कि गलत गड़बड़ ना हो जाए, तो इसमें लिमिट लगी हुई है, तो इसको ब्रेक करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके -2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके -2, ब्रेक किया सबने, क्लियर है यहाँ तक, ब्रेक हो गया, हाँ कि ना, हाँ सचित समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय थ्री, अब ब्रैकेट के यहां क्या लगेगा, -1 से लेके -2, क्लियर है, और 1 डी एक्स क्या होता है, एक्स कहां से कहां तक, -1 से लेके -2, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, इसकी एक्स -1 से -2 -1 से -2, तो पुट करें x की जगह एक बार अपर लिमिट तो ये आएगा, चेक करो, एक बार लोअर लिमिट तो ये आएगा, चेक करो, ये स्टेप समझ में आया, लिमिट्स वाला, -2 x की जगह -2, एक बार x की जगह -1, दोनों को माइनस, प्लस एक बार x की जगह -2, एक बार x की जगह -1, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब ये मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे इसे, क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा -8/3, ये आएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा, -2 + 1 विल गिव -1, इसे सॉल्व कर लेना, कर लोगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, पर वो मेथड समझ में आया, करना क्या है, लिमिट कैसे पुट करनी है समझ में आ रहा है, लिमिट्स क्लियर हैं, ठीक है, परी ठीक है, ठीक ठीक है, ओके ठीक है,
एक ही बात है। वैसे दो अलग अलग क्वेश्चन बना लेने चाहिए अलग अलग, ये ज़्यादा ये बेटर टेक्निक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक्स ये वी ये भी डी वी, तो इसका इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ, वी स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एक्स डी एक्स की क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय टू, वी डी वी की वी स्क्वायर बाय टू, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके वाई तक। अब वी की जगह एक बार अपर लिमिट, बोलो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय टू, वी की जगह एक बार लोअर लिमिट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। आंसर क्लियर है यहां तक, आंसर ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है ठीक है। दो क्वेश्चंस और, ये क्वेश्चन ट्राई किया, इसमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आर, तो इसमें वेरिएबल कौन है, आर, आर के अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे यहां डीएक्स होता और यहां एक्स होता, तो आर जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर है तो आर की टर्म वेरिएबल मानी जाती है, बाकी सब, क्योंकि ये तो आर नहीं दिख रहा ना इसमें, तो सब कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर ये डीएक्स होता तो एक्स वेरिएबल था, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, बोलो क्या कॉमन आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू वन बाई आर स्क्वेयर डी आर, कहां से कहां तक, आर वन से आर टू। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है, सिर्फ आर वाली टर्म्स को अंदर रखेंगे बाकी टर्म्स बाहर रखेंगे, कोई डाउट। नेक्स्ट, ओ हाँ, ये इस कांस्टेंट को बोलते हैं वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ई पी एस आई एल ओ एन, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, और जीरो को बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस टू का सिंबल है, आपको कुछ करना नहीं है, एज इट इज कांस्टेंट है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं आर रेज टू पावर माइनस 2dr, कहां से कहां तक, r1 से लेके r2 तक, 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 r की पावर माइनस 1 by माइनस 1, कहां से कहां तक, r1 से लेके r2 तक, है ना, इंटीग्रेशन कर दी r की पावर 1 प्लस, तो माइनस 1 by माइनस 1, माइनस को एक काम करो बाहर ले आओ, माइनस साइन बाहर ले आते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, 1 बाई आर, कहाँ से कहाँ तक, आर वन से लेके आर टू तक, ये माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो माइनस बाहर लगा दिया, कोई फर्क नहीं, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, आखिरी स्टेप बताइए आपको क्या करें, लिमिट पुट कर देते हैं, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, एक बार आर की जगह अपर लिमिट, एक बार आर की जगह लोअर लिमिट, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, फाइनल आंसर कैसा दिखेगा आपको, एक बार आर की जगह आर टू, एक बार आर की जगह आर वन, दोनों को माइनस। ये तो बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा, ये तो बस डराने के लिए रखा हुआ है ताकि लोग सोचें पता नहीं क्या है, तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो। तो इसकी इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस टू की, आर की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई में है तो माइनस वन को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, वन बाय आर, आर टू से आर वन, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक है। ठीक।
ठीक है आएगा माइनस, हाँ माइनस भी आएगा, सॉरी भाई माइनस भी आएगा, माइनस रह गया मुझसे, माइनस आएगा ठीक है ओके। और लास्ट क्वेश्चन, इसकी इंटीग्रेशन आपको निकालनी है, ये रहा। तो इसकी इंटीग्रेशन में देखो, ब्रेक करो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लाई कर लिया इसे, अब क्या रूल सिखाया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल लो इसे, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यूब, कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, एक्स डी एक्स ये लो। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय थ्री, कहां से कहां तक, वन से टू तक। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, वन से टू तक। यहां तक क्लियर है, पी और क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एक्स की पावर तो वन है ना, तो एक्स स्क्वायर बाय टू, क्लियर है। तो आखिरी स्टेप इसमें क्या होगा, आखिरी स्टेप इसमें होगा क्या किया, पता नहीं क्या किया मैंने, क्या है यार, फिर से कर देते हैं, करो सॉल्व, आप अपना आंसर निकालो प्लीज। तो इसमें मैं फटाफट कर देता हूं, तो मैंने ये कहा वन से टू पी कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्यू कॉन्स्टेंट है एक्स डी एक्स, वन से टू पी एक्स क्यूब बाई थ्री, वन से टू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, वन से टू, क्या है पॉइंट, क्लियर है। तो अब एक बार क्या करें, एक्स की जगह अपर लिमिट, तो क्या आएगा टू क्यूब बाई थ्री, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा वन क्यूब बाय थ्री क्यू, एक बार x की जगह अपर लिमिट, तो टू स्क्वायर बाय टू, एक बार लोअर लिमिट, वन का स्क्वायर बाय टू, कोई डाउट इसमें, सॉल्व कर लोगे इसे आगे, तो कर ही लोगे ना, एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, फोर बाई टू, वन बाई टू, क्लियर है, समझ में आ रहा है लिमिट्स कैसे पुट करनी है, आंसर को छोड़ो लिमिट्स पुट करनी आ गई, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसी के साथ हमारी इंटीग्रेशन क्या होती है, खत्म, बोलो। कैसे, देने वाले की मर्जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन में यही देखा जाता है कि नीचे छोटी होगी ऊपर बड़ी होगी, जो है वैसे पुट करनी है, ठीक है यहां तक। तो इसी के साथ हमारी इंटीग्रेशन खत्म। तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये लगाएं, कई टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कैलकुलस पहले नहीं करवाते, वो चैप्टर एरर्स करवाते हैं, जो मैं अभी करवाने वाला हूं। आपको शीट्स मिल गई सबको, शीट्स मिली आपको, ठीक है। तो कई लोग, मैं क्या बता रहा था, जो चैप्टर करवाते हैं वो कैलकुलस नहीं करवाते, रादर बहुत सारे टीचर्स कैलकुलस पे चार लेक्चर कभी नहीं लगाते, दो लेक्चर लगाते हैं, एक लेक्चर डिफरेंशिएशन, एक लेक्चर इंटीग्रेशन, खत्म। पर मैंने आपको बताया, मैंने मोशन के साथ करवाना होता है तो मुझे ज़्यादा बेटर, और मैं कंफर्टेबल इसी में हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा करने से मेरा स्टूडेंट दो साल कैलकुलस में कम से कम दिक्कत नहीं आती। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एरर्स। अब आपने देखा होगा कि जब हम कैलकुलस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई भी, क्योंकि अब मेरा जो फॉर्मेट है पढ़ाने का थोड़ा चेंज रहे, क्योंकि अब फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पहले क्या चल रहा था, मैथ्स चल रहा था, हाई मैथ्स, सच्चाई है, फिजिक्स कहाँ थी, फिजिक्स तो थी भी नहीं, टोटल तो मैथ था, लेकिन अब क्या चलेगा, अब फिजिक्स चलेगी। तो जब फिजिक्स चलेगी तो देखो बातें बतानी भी पड़ेंगी, डेफिनेशन भी होंगी, सब कुछ होगा, इतना कहाँ लिखा जाएगा आपसे। आज के लिए टेम्प्ररी मैं आपको वो शीट्स दे रहा हूँ जो मैंने एरर्स की शीट दी हैं, सिर्फ प्रिंट आउट दे रहा हूँ आज मैं, लेकिन इसके बदले मैं पूरी किताब दूंगा, सिर्फ आज का दिन ये फोटोकॉपी है,
अदरवाइज स्पायरल करके बुकलेट के फॉर्म में आपको मिलने वाली है नेक्स्ट टाइम। आज यहीं से पढ़ते हैं। तो एरर्स एंड एनालिसिस का चैप्टर है, ओपन करें प्लीज पहली शीट। भाई डेफिनेशन डिफिनेशन कुछ नहीं लिखनी, इतना समय नहीं है कि व्हाट इज एरर एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। कोई नहीं पूछता प्लस वन में डेफिनेशन, कोई नहीं पूछेगा। तो ना कोई डेफिनेशन लिखवाता है ना कोई पूछता है, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है। आपको आपने किसी चीज़ को कैसे पकड़ा, कैसे समझा, वह उसी की वैल्यू है। ये मज़े की बात है फिजिक्स में, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा है आपकी फिजिक्स उतनी बढ़िया, जितना आप याद करने की कोशिश करेंगे आपकी फिजिक्स उतनी खराब। सिंपल है, ठीक। तो क्योंकि फिजिक्स है क्या, साइंस है क्या, एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ की। और कैसी एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ मैथ से की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं एरर्स एंड एनालिसिस। देखो ये चैप्टर किस में डील करता है, ये चैप्टर डील करता है कि हम जब लैब में फिजिक्स की लैब में जाते हैं तो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते करते हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जान के या अनजाने में। जैसे एक टीचर ने कहा कि जाओ सामने एक ट्यूब पड़ी हुई है, उसमें वाटर का लेवल है, आप चेक करके आओ वो वाटर का लेवल कितने सेंटीमीटर ऊपर है, बस ये रीड करना था मुझे, बस ये काम था। तो आपको पता ही है एक्सपेरिमेंट्स में रीडिंग ली जाती हैं, तो मैंने वो रीड करना था। उसकी रीडिंग थी, मैंने रीड की 10.1 सेंटीमीटर। मैंने बताया टीचर को भाई 10.1 सेंटीमीटर। अब उस समय चल रहा था पंखा, पंखे की हवा थी तेज़, पानी हिल रहा था। टीचर ने कहा फिर से जा कर के आ, इस बार आई 10.2 सेंटीमीटर। अब मैं समझ नहीं पाया यार गलती कैसे हो गई यार, मैं तो ध्यान से 3 मिनट लगा रीडिंग ले रहा हूँ, पर गलती फिर हो गई यार। टीचर कहता फिर करके आ, अब आया 10.5 सेंटीमीटर। अब समझ नहीं आ रही यार चक्कर क्या पड़ रहा है, ये गलती मेरे हाथ में तो नहीं ना, अब मुझे क्या पता यार इतनी ऐसी। अब कहोगे पंखा बंद कर दो, ठीक है पंखा बंद कर देते हैं। पंखा बंद किया, लेकिन जहाँ लैब थी वहाँ नीचे ट्रेन जाती थी, रेलवे स्टेशन पास होगा, वो वाइब्रेशन ज़्यादा करती थी, पानी हिलता है वाइब्रेशन से, क्या करोगे अब, किस किस चीज़ को बंद कर दोगे, कहाँ जाके एक्सपेरिमेंट, चांद पे जाके एक्सपेरिमेंट करना या हवा नहीं है तो नहीं कर पाओगे, करना तो यहीं पड़ेगा। चलो ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, आपने कहा ये तो मज़ा नहीं आया, इसको तो मैं देख लूँगा। टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ। अब मैं रीडिंग लेने गया, ना पंखा चल रहा है, बिल्कुल पानी स्टिल जैसा है वैसे का वैसा ही था। अब मैंने कहा अब तो रीडिंग ठीक आएगी, रीडिंग ली, रीडिंग फिर गलत आई। मैं सोच रहा हूँ यार अब क्या चक्कर हो गया। अब पता लगा कि मेरा जो चश्मा है ना इसका नंबर ख़राब था। आप कहोगे यार ये तो अब तो आपकी गलती है सर, आपने आई टेस्ट आँखें ठीक करवाओ अपनी तो तब आप रीडिंग लो, मुझे तो ना पता था ये प्रॉब्लम है। चलो ये भी एक्सक्यूज़ है, आपने कहा छोड़ देते हैं। तीसरा, टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ। मैंने कहा ठीक है रीडिंग लेके आते हैं। अब रीडिंग लेनी थी किसी मशीन से, वो थोड़ा छोटी रीडिंग थी तो किसी मशीन से मुझे रीडिंग लेनी थी। वो रीडिंग जो मशीन थी, अरे वही ख़राब निकली, वो एक्यूरेट ही नहीं है, वही थोड़ी बहुत गलती कर देती है। अब बताओ रीडिंग कहाँ से सही आएगी। जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में क्या वेट है आपका, घर जाके तोल के बता दो, एग्जैक्ट बता दे मेरे को, बोल देना, वो हर वक्त 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 घूमती रहती है। ऐसा नहीं होता जब वेट करते हो, ऐसे नहीं होता खड़ जाते हो, वो 60.2, 60.1, 60.3, आप हल्का सा भी हिले नहीं, वो रीडिंग हल्की सी हिली नहीं। नेक्स्ट एक्सक्यूज, लैब में काम कर रहा था, ध्यान बातों में है, शाम को मूवी देखने जाना था, सोच रहा हूँ यार फटाफट ले यार रीडिंग 10.1 या 2 में क्या फ़र्क पड़ता है, लेना ख़त्म कर। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं लैब में, छोड़ना यार टीचर को तो बोलते ही रहने दो, तुम रीडिंग लो यार 10.1, 10.2 वो कौन सा देखने आ रहा है, लो ना रीडिंग। तो आपने एक चीज़ देखी, अब किस वजह से आपकी गलती होगी ये आपको पता नहीं, हो सकता है गलती ना भी हो आपसे, लेकिन ज़्यादातर जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, चाहे वो हमारी वजह से हो, चाहे वो हमारे हाथ में ना हो, चाहे एन नंबर ऑफ रीजन है गलती होने के, वो क्या रीज़न होगा वो क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में कि तुमने गलती क्यों की, उसको ठीक करो। तो फिजिक्स वाली यही लेके चलते हैं कि यार एक्सपेरिमेंट में गलती तो हो ही जाती है, 0.1, 0.2 की मिस्टेक तो आम बात है। मुद्दा तो ये है, 10 पॉइंट टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ, मैंने कहा 10.1, टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ, सेकंड टाइम मैंने कहा 10.2, टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ, मैंने कहा 10.3, टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ, मैंने कहा 10.11,
टीचर कह रहे हैं भाई तेरी सही रीडिंग क्या है ये तो बता दे, चार डिफरेंट रीडिंग बता रहा है तू। अब ये कैसे पता करेंगे कि यार यही रीडिंग सही है और बाकी रीडिंग तो गलत है, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। तो अब एक रीडिंग सही कैसे निकले, क्या पता पहली रीडिंग ठीक थी, क्या पता दूसरी ठीक थी, क्या पता तीसरी ठीक थी, क्या पता चौथी ठीक थी, प्रॉब्लम है ये भी। फिर चलो एक रीडिंग मैंने सही बता दी, कैसे तरीके से बता दी, ये लो मैं ये सही रीडिंग 10.1 सही रीडिंग है, तो फिर बाकी रीडिंग क्या है, गलत है। अब 10.1 का भी मुझे पता नहीं सही है गलत है, क्यों कैसे डिसाइड करोगे कि पहली रीडिंग ही ठीक थी, आपके आपको थोड़ा पता। अगर पहली रीडिंग ठीक ही थी फिर तीन एक्सपेरिमेंट फिर चार एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हो, पहली बार बंद बंद ही कर देते तो पता तो कर नहीं पाओगे ना कि मैंने पहली रीडिंग जो ली वो सही ली या गलत ली। तो फिर ये चैप्टर डील करता है कैसे सही रीडिंग लें, तो एक्यूरेसी कैसी कैसे लेके आए, ये चैप्टर इसमें डील करता है। और अगर आपकी गलती हो गई, मान लो आपने एक फ्लोर का एरिया देखना था, मैंने कहा ठीक है टाइल लगानी है भैया फ्लोर का एरिया बताना कितना है, ठीक है टाइल लेने टाइल वाले को बता दिया आपने फ्लोर का एरिया है 16.2 फिट से लेके मान लो 70.8 फिट था, वो 16 बाई 70, तुमने 0.2 0.7 ऐसे जोड़ दिया, अब आपकी तो टाइल का खर्चा बढ़ गया ना, वो तो आपको ज़्यादा टाइल देगा। अभी तो टाइल की बात हो रही है, सोचो यही काम गोल्ड में होता, सोना लेने जा रहे थे, सोना तोलने बैठ गए और तोल दुकानदार बन गए, सोने सोना बेचना है और रीडिंग लेनी नहीं आती, और मान लो 500 ग्राम की जगह 480 ग्राम मेजर कर दिया उठा के, लो घाटा ही घाटा है और करना क्या है, होगी प्रॉब्लम। तो रीडिंग लेना एक बहुत बड़ी बात है, और रीडिंग गलत आ जाए फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो कैसे हैंडल करना है, जो एरर्स हम कैलकुलेट करते हैं ये चैप्टर उस पर डील करेगा। तो करें स्टार्ट ये चैप्टर। तो सबसे पहले ये चैप्टर डील करता है कि एरर है क्या। एरर है ये मेजर्ड वैल्यू पहले आएगी, ट्रू वैल्यू बाद में आएगी, करेक्शन की हुई है मैंने। मान लो एक मान लो इस पैनल की जो विड्थ है ना वो 86 इंचेस है, 86 इंचेस पैनल है पूरा, कंपनी बना के भेजती है, मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को किसी ने कहा सर आप मेजर करो, मेरे को थोड़ा पता यार, मैं तो अनाड़ी आदमी, मैंने स्केल लिया, मैंने कहा यार 89 इंच है। अब ठीक है यार इंची टेप से थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, एक दो इंच ऊपर नीचे हो गया मुझसे, तो मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 89 इंच, ट्रू वैल्यू क्या थी 86 इंच, तो मैंने एरर कितना निकाला, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे माइनस। तो क्लियर है एरर क्या क्या होता है, तो मेजर्ड वैल्यू 2.1 है, ट्रू वैल्यू 2 है, तो एरर कितने, दोनों को माइनस करना है, क्लियर है। अब एरर्स होते क्यों हैं, मैंने एग्जांपल दिया, पहला रीजन क्या दिया कॉन्स्टेंट एरर, टाइप ऑफ एरर बता रहा है, एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। एरर्स की तो बहुत टाइप्स हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी एरर्स होने का रीजन नहीं पता लगेगा आज तक हुआ क्यों, फिर भी कुछ कोशिश की किताब वाले ने लिखने की। उनमें से पहला एरर क्या है, कॉन्स्टेंट एरर। तो कॉन्स्टेंट एरर वो एरर है जो हर कैलकुलेशन में उतनी ही वैल्यू से अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जैसे एक मशीन है, वो मशीन ड्यू टू एनी रीजन, मान लो 80 kg का बंदा है, उसको 85 kg दिखाती है और रीडिंग ही खराब है, 5 किलो ज़्यादा दिखाती है, 70 वाले को 75 दिखाती है, 60 वाले को 65 दिखाती है, तो 5 का एरर कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो कौन सा एरर कहलाएगा, कॉन्स्टेंट एरर। दूसरे टाइप का एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, मशीन खराब होने से जो एरर प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो तो मेरे हाथ में नहीं ना, मशीन ही खराब है, क्या रीडिंग देगी मुझे क्या पता, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तीसरा एरर है पर्सनल एरर। लैब में काम कर रहे थे, ध्यान मेरा खुद नहीं, मैं कह रहा हूँ रीडिंग ठीक नहीं आ रही, बातों मेरा ध्यान है, मैं बातें करी जा रहा हूँ और रीडिंग में गलत ले रहा हूँ, तो किसकी गलती, मेरी गलती। आंखों का चश्मा किसका खराब, मेरा खराब, तो किसका एरर, पर्सनल एरर, मेरी गलती है, पर्सनल एरर। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। स्टूडेंट को कहा ये ले पकड़ फ्लाइट की टिकट, जब बॉम्बे जा और बॉम्बे जाके ना टेम्परेचर मेजर करके आ। खैर तक मेजर क्या करना पता ही है, 32-33 के आसपास होगा। मैंने कहा जा तो सही, उतरा एयरपोर्ट, उस दिन बाई चांस की बात है बारिश ही बहुत होगी, उस दिन आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, उसी टाइम मैंने टेम्परेचर लिया और फिर प्लेन पकड़ा वापस आ गया। मैंने कहा टेम्परेचर कितना, कहता 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, बॉम्बे का टेम्परेचर 20 कैसे हो गया जून जुलाई में, वहाँ तो 30 से ऊपर आना चाहिए।
अब बेचारा ये भी क्या करे, ना तो वो थर्मोमीटर इसका कोई ख़राब है, ना मशीन ख़राब है, ना ये खुद ख़राब है, सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी क्या आ गया, एरर। अभी तो ऊपर वाले के हाथ में, पहाड़ों में चढ़ गए, प्रेशर मेजर करने चढ़ गए, बैरोमीटर ले गए, प्रेशर मेजर करने, वहाँ प्रेशर गिर गया, पहाड़ों में तो प्रेशर गिरता रहता है, उस दिन ज़्यादा ही गिर गया, उस दिन प्रेशर गलत आ गया, एवरेज प्रेशर जो आता है उससे गलत आ गया, ये भी क्या हो गया, एरर है। तो ये किसके हाथ में है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन होता है, ऊपर वाला। हम इंटरनल है, तो ऊपर वाले के हाथ में एरर, एक्सटर्नल एरर। अब गलती तो हो ही गई ना, चाहे कुछ भी कहो, रैंडम एरर। मैंने एक कैलकुलेशन की, उसमें एरर आ गया, जिंदगी निकल गई, पता नहीं लगा एरर क्यों आया, पता नहीं मेरी गलती थी, पता नहीं यार मशीन खराब थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आया। तो जब समझ में ना आए तो एरर का नाम क्या है, रैंडम। भाई रैंडम है यार, मुझे नहीं पता एरर, बस मुझे नहीं पता को क्या बोलते हैं इसमें, रैंडम एरर है, राइट। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं एरर्स की, ये गिवन है सारा, देख रहे हो ना शीट्स में, शीट्स में देखते जा रहे हो सारा, ठीक। तो क्लियर है यहाँ तक, आ सकता है नेगेटिव पॉजिटिव एरर कुछ भी हो सकते हैं। कम वैल्यू रीडिंग ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ज्यादा ले लोगे तो पॉजिटिव। अभी कर रहा हूं एरर की वैल्यूज में क्या काम करने बताता हूं अभी। अब इसमें मैंने क्या बताया, एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कुछ ऑब्जर्वेशंस लेके आया। तो आप कभी भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करोगे ना लैब में, अभी जाओगे +1 +2 में, कभी भी एक रीडिंग से टीचर कभी नहीं मानेगा कि आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। आपको पता भी है रिसर्च के अंदर कहीं पर भी पता नहीं कितनी रीडिंग लेनी पड़ती है, बार 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 बार, क्यों, एरर को कम करने के लिए। तो इसमें जैसे एक ऑब्जर्वेशन थी, किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी थी, और एक स्टूडेंट गया, उसने कहा कि मैम ठीक है मेरा आंसर 2 आ गया। टीचर ने कहा जा फिर कर क्या, उसको पता था गलती तो हो भी सकती है, तो उसे क्या पता कि पहली रीडिंग सही है कि नहीं। उसने कहा फिर से कर क्या, तो फिर से किया, आंसर क्या आया, 2.1। उसने कहा फिर से करके आ, क्या आया, 2.2। उसने कहा फिर से करके आ, क्या आया, 2। फिर से करके आ, 1.9। फिर से करके आ, 1.8। अब ये तो अनगिनत है ना, तो नॉर्मल टीचर्स 5 6 7 बार एक्सपेरिमेंट करने को बोलती हैं, लास्ट 10 बार। अब कितनी बारी कर लोगे एक्सपेरिमेंट, राइट। तो मान लो आपने कुछ बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको तो नहीं पता ना कि कौन सी रीडिंग सही है, तो क्या फैसला होता है, सही रीडिंग के लिए हम सभी वैल्यूज का क्या लेते हैं, एवरेज। सिंपल, एवरेज कैसे निकलती है, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6। तो मान लो एवरेज कितनी आ गई, 2, मान लो 2 आ गई। तो यानी कि अब मैं इन सब में से सही रीडिंग्स क्या लूंगा, 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए टीचर आपको 5 7 बार एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है, और फिर वो कहेगा कि मुझे एक रीडिंग बोल तेरी कौन सी सही है। तो एक रीडिंग कैसे बोलोगे, इन सबका एवरेज लेके। अब फैसला हो गया कि सही रीडिंग कैसे देनी है, फिर टीचर पूछेगा तेरी गलती क्या थी ये बता, पहली रीडिंग में क्या तूने गलती की। वो कहता देखो मेरी ऑब्जर्व रीडिंग 2 है, होनी 2 चाहिए थी, करेक्ट रीडिंग 2 है, तो मेरे में एरर कितना है, 0, कोई एरर नहीं था। दूसरी रीडिंग मैंने ऑब्जर्व की 2.1, लेकिन सही वैल्यू क्या मानी जा रही है, 2, तो एरर कितना है, 0.1, माइनस कर रहा हूँ ना। तो तीसरी रीडिंग मैंने मेजर की 2.2, लेकिन करेक्ट रीडिंग क्या मानी जा रही है, 2, तो एरर कितना है, 0.2। नेक्स्ट में 2 -2 0, नेक्स्ट में 1.9 - 2 इज -0.1, नेक्स्ट में 1.8 - 2 इज -0.2। तो आप सोच रहे हो मॉड लगा दिया इसमें, बताता हूँ क्यों लगाया। मॉड नहीं लगाया, अगर ये समझ में आया मैंने क्या किया, मेरे से मेरे टीचर ने पूछा कि क्या एरर तूने किया बता, तो मैंने कहा मैम देखो पहली रीडिंग में मेरे से कोई एरर नहीं हुआ, दूसरी के अंदर 0.1 हुआ, तीसरी में 0.2 हुआ, नेक्स्ट में 0 हुआ, नेक्स्ट में -0.1 हुआ, नेक्स्ट में -0.2 हुआ, ये एरर्स हो गए। तो टीचर ने कहा यार ऐसे तो 100 रीडिंग लेगा तो 100 बार बोलेगा, पहली में इतनी, दूसरी में इतनी, तीसरी में, चौथी में, पांच में, 100 में, ये सुनता रहूं, तू ये बता कि एक वैल्यू ऑफ एरर बोल कितनी है, सिर्फ एक वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, इन सब का भी क्या ले लेते हैं, एवरेज। भाई हर की रीडिंग का एरर थोड़ा बोलूंगा, एवरेज एरर बोल देता हूँ कि ओवरऑल रीडिंग में एवरेज एरर इतना आया। तो एवरेज एरर कैसे आएगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड, डिवाइडेड बाय 6 ऐड करना, इन्हें ऐड करोगे 0.2 से 0.2, माइनस से माइनस, कैंसल, सारी वैल्यूज कैंसल, एरर क्या आया,
जीरो, जीरो आ रहा है ना, चेक करो, सबको ऐड कर लो, पॉइंट वन से ये कैंसिल, पॉइंट टू से ये कैंसिल, जीरो। तो भाई टीचर को कहा, मैम आपने एवरेज बोला था, मेरा कोई एरर नहीं आया। उन्होंने कॉपी चेक करा, कॉपी चेक की, ये क्या ढेर लगा के रखा हुआ एरर्स का, और तू कह रहा एरर नहीं आया, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हारा तो एरर आया, चार रीडिंग में एरर आया, और तुम टीचर को क्या बोल रहे हो, मेरा कोई एरर ही नहीं है, पॉइंट है। तो ये फैसला किया गया, जब कोई स्टूडेंट एरर का एवरेज लेगा तो मॉड जरूर लगाएगा। मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, सुना हुआ है मॉड का मतलब पॉजिटिव। तो एरर चाहे नेगेटिव है, लेकिन एवरेज लेने में उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, साइन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जब इसका एवरेज निकलेगा, तो एवरेज कैसे निकलेगा, जीरो प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट टू प्लस जीरो प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट टू डिवाइडेड बाई सिक्स। तो आंसर कितना आया, पॉइंट वन। हाँ, अब आप टीचर को बोल सकते हो कि मैम मेरी जो फाइनल एक्सपेरिमेंटल की सही वैल्यू आई वो कितनी आई, टू। और टीचर पूछेगा एरर कितना आया, तो आप बोलोगे मेरा एवरेज एरर आया कितना, पॉइंट वन। तो पॉइंट वन का मतलब, टीचर बोलेगा इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे कि सही रीडिंग तो टू लगती है मुझे, लेकिन पॉइंट वन ज्यादा भी आ रही है कुछ रीडिंग्स, पॉइंट वन कम भी आ सकती है कुछ रीडिंग, उसका मैं कह नहीं सकता, इसके बीच बीच में लाई करेगी। इसीलिए फाइनल आंसर वो क्या बोलेगा, टू प्लस माइनस पॉइंट वन, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया ये कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक? कैसे पता करोगे पहले ठीक है, आप तो सदा ही कहोगे पहले ठीक है, टीचर थोड़ा मानेगा, जा यार तेरे जैसे तो बहुत पढ़ा लिए, 100 बार करके एक्सपेरिमेंट, तो 10 आम बंदे को 10 कहेगा, तुम्हें 100 बार कह देगा, नहीं मानेगा। तुम्हें कैसे पता कि पहली रीडिंग सही है, ये बता दो मुझे, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो सदा लगेगा मैं ठीक हूं, तुम्हें तो दूसरी भी ठीक लगेगी। तुम जानबूझ के गलती थोड़ा कर रहे हो यार, गलती तो हो रही है, तुम्हें थोड़ा पता कि सही है गलत है, तुम नहीं कर पाओगे यार। अगर एक ही बार होता फिर तो नासा भेजने वाले रॉकेट वाले टेस्ट क्या करते थे, एक ही बार चढ़ा देते रॉकेट, चल सीधा वहीं मार्स में मिलेंगे फिर तो यार कैसे होएगा। नहीं नहीं यार, एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, टेस्टिंग तो होती है, टेस्टिंग तो 100-100, 200-200, लाख लाख बार होती होगी, तो जाके ऊपर चढ़ाते होंगे, ठीक? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ओके। किताबी बातें ऐसी नहीं होती, किताबी ऐसी नहीं होती, किताब भी ऐसी होती है, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली A1, सेकेंड रीडिंग ली A2, तीसरी A3, लास्ट AN। सही रीडिंग क्या होगी, इन सब का मीन, मीन AM, AM का मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब सही वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू क्या मानी जाएगी, AM। वही सेम चीज लिख रहा हूं A1 A2 की फॉर्म में। तो पहली रीडिंग में एरर क्या आया, A1 में से AM माइनस, दूसरी में A2 में से AM माइनस, A3 में से AM माइनस, AN में से AM माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक? तो ये क्या आ गया, डेल्टा A1, ये क्या आ गया, डेल्टा A2, ये क्या आ गया, डेल्टा A3, ये क्या आ गया, डेल्टा AN। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये एरर्स आ गई। डेल्टा का मतलब क्या होता था, चेंज, चेंज बोला था ना, चेंज, तो चेंज डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स, हम भी क्या कर रहे हैं, चेंज इन वैल्यू, तो कितनी चेंज हुई वैल्यू, डेल्टा से चेंज हुई। और एवरेज एरर इन सबका क्या कर लेंगे, एवरेज, एवरेज कैसे लेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन एवरेज। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक, कुछ फील आ रही है? अब मैथ्स नहीं चल रहा, मैथ्स नहीं है, अब एकदम चेंज हो गया ना फ्लेवर, फ्लेवर मजे की बात है फिजिक्स में, बहुत है, पूरा इतना फ्लेवर है प्लस वन की फिजिक्स में, आप सोच भी नहीं सकते, कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार ये फ्लेवर चेंज होगा फिजिक्स में, 15 से 20 बार आपको लगेगा कि ये नया, ये क्या हो गया यार, एकदम कुछ नई चीज़ आ गई। प्लस टू में नहीं लगता, प्लस टू इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, वो सब चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, वो एक जैसा लगता है, इसमें मज़ेदार है। किसी को हीट पसंद है, किसी को लिक्विड पसंद है, किसी को एरर ठीक लगता है, किसी को कैलकुलस ठीक लगता है, किसी को मोशन ठीक लगता है, किसी को न्यूटन के लॉज ठीक लगते हैं, हर कोई डिफरेंट ही तरीके से चलता है, इसमें चैप्टर डिफरेंट है। अब देखना एकदम चेंज, एंटायरली चेंज हो गया, ठीक, अच्छा भी है। अच्छा ये है कि एक नहीं पसंद, कम से कम दो तो पसंद है, अगर कनेक्टेड होंगे तो फिर सारा
गड़बड़ हो जाता है। जहाँ कनेक्शन स्टार्ट होगा बता दूंगा, अलर्ट करता रहूँगा कि ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान से कर लेना। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, एरर को आपको लिखना है या बताना है किसी को कि मेरा कितना एरर आया, उसको बताने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सिंपल, जो हम एरर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशन मेरी 2.1 है, मैंने रीडिंग ली 2.1 एंड ट्रू वैल्यू कितनी है 2, करेक्ट वैल्यू कितनी है 2, तो फिर इनका डिफरेंस कितना है 0.1, तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर। इस डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सिंपल, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो सही वैल्यू है उनका डिफरेंस क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? ठीक, जैसे इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? 2.1 माइनस 2.1। और अगर हम बात करें अपने इस एग्जांपल में, हमारी रीडिंग कितनी थी A1 और सही वैल्यू कितनी थी AM, तो ये जो डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा था ये क्या था? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखते थे? डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A3। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो दो वैल्यूज के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो ये देखो, तो अगर पहली रीडिंग A1 है, ट्रू वैल्यू AM है, इनका डिफरेंस कितना है? डेल्टा A1 है, ये एब्सोल्यूट एरर है। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं? जैसे एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने एक रीडिंग ली, क्या रीडिंग ली? 2 ± 0.1। ठीक, बताइए कि मेरी रीडिंग 2 है ±0.1, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरी ट्रू वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है। तो ये इसकी कौन सी वैल्यू है? करेक्ट वैल्यू है, लेकिन उसमें एरर कितने है? 0.1। तो 0.1 को क्या बोलेंगे? कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर। कि जब वो मेजर करता है तो डिफरेंस कितना आता है दो वैल्यूज का? 0.1। ठीक, जैसे एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू 2 है, उसने मेजर किया 2.1, तो एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1, दोनों को माइनस किया। या फिर 2 सही वैल्यू है, उसने मेजर की 1.9, तो भी डिफरेंस कितने? -0.1, तभी तो क्या लग गया? ±0.1। तो हर हालत में डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.1। तो कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर है? इसके अंदर जैसे 2 ± 0.1, हम अपने मन में ऐसे सोचेंगे कि ये मेरी करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू की का कितनी है यहाँ पर? 2। तो करेक्ट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया? A से। एंड ये कौन सा एरर है? डेल्टा A। ये कौन सा एरर है? डेल्टा A, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को मन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा। जैसे ये A है, तो ये इसका डेल्टा A है। अगर मैं इसको क्या नाम देता? B, तो इसका नाम क्या होता? डेल्टा B। अगर ये C, तो ये डेल्टा C। क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं किसी भी रीडिंग को लिखता हूँ A प्लस माइनस डेल्टा A, तो पहली रीडिंग क्या शो करती है? करेक्ट वैल्यू। और ये क्या शो करता है? एब्सोल्यूट एरर। कोई डाउट इसमें? तो लिखने का तरीका समझ में आया? ठीक है, रिलेटिव एरर। पेज नंबर कहां पहुंचे? तीसरा, चौथा, स्मॉल। हाँ, स्मॉल ऐसे कर लो, स्मॉल। स्मॉल एरर क्या होता है? वैल्यू छोटी। एरर इज एरर, एरर एरर। तुम ब्लंडर कर दो तो भी एरर ही है, बस गलती है यार, गलती गलती है, खत्म कर। एरर वैसे स्मॉल ही होते हैं। तुमने कहा यार मेजर करना टाइल, ये 2-4 फुट की टाइल थी, और मैंने कहा यार होएगी 10 फुट की टाइल। आप कौन पागल बुला के 10 फुट की टाइल कहाँ लग रही है यार ये, तो बात भी नहीं करोगे मुझसे। तो अगर तुम फिजिक्स की लैब में चले जाओगे और तुम्हें टीचर कहेगा कि यार रीडिंग लो इस पानी की 10 सेंटीमीटर, तो मुझे लग रहा है 50 सेंटीमीटर तो लग रही है, तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा, तुमको फिक्स मत पढ़ो यार तुम। तो ठीक लगाओ, एरर 0.1 0.2 में ही लगाओ,
एरर इतने न मत लगाओ कि यार कुछ अलग ही बन जाए, तो मतलब एरर छोटा ही आएगा, मेरे कहने का मतलब एरर बड़ा नहीं आएगा, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट जो एरर है लिखने का तरीका, वो क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मैं आपको ये इसलिए बोल रहा था, पेज नंबर 3-4 फॉर्मेट चेंज हो गया, देखा? कैलकुलस में एक पेज लिखने में आधा घंटा लिख रहा था, एरर्स के 3 पेज करने में 15 मिनट लगे हैं। और चिंता ना करो, ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि आपसे कोई स्कूल में या कंपटीशन लिखवा के थोड़ा देख रहा है, राइट? आपको क्या लगता है, क्वेश्चन आएगा, मैं घर जाके पढ़ूंगा व्हाट इज़ एरर, ओ लिख लूँ व्हाट इज़ एरर, हाउ टू रिप्रेजेंट एरर, तो अब लिख लूँ, अच्छा 1 2 3 फिर याद करूँगा, कुछ ना आता, सीधा एप्लीकेशन आएगी न्यूमेरिकल, ये राजी रीडिंग, इसमें बताओ एरर कितना है, बस ये है क्वेश्चन, और यही आना है कॉम्पिटिशन में, यही आना है एनसीईआरटी में। तो मैं अपना कीमती समय इनमें नहीं लगा सकता आपको डिक्टेट करने में कि रीडिंग लिखो 2, रीडिंग लिखो 2, आप हो गए यार रीडिंग लिखते रह गए पूरे लेक्चर में, एरर तो लगे 3 लेक्चर लगा दिए सर ने एरर करने में, वहां तक तो पहुंचते पहुंचते चौथा लेक्चर हो गया जब क्वेश्चन आना था। तो इसलिए मेरा फॉर्मेट समझ में आया कैसा बना हुआ है, कि हम जो यूजफुल चीज़ें उस पर टाइम लगाएंगे, और क्या आना है पेपर में मैं मार्किंग करवाऊंगा अपने बुकलेट में कि ये आएगा पेपर में, और देखना वही आएगा पेपर में। ये जो मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका मतलब ये नहीं है हमें छोड़ना है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ रहा है ओके, क्या करना है वो मैं आपको मार्किंग करवाऊंगा, उसमें लिखवाऊंगा कि एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल में आएगा, और जो कॉम्पिटिशन में आएगा लिखवाऊंगा, ये कॉम्पिटिशन में पक्का आएगा, ऐसा है ठीक। और एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, अभी अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी आप थोड़े इतने थोड़े छोटे हो, डाउट्स ज़्यादा होते हैं आपके, कुछ 1 2 3 चैप्टर के बाद मैं आपको फिर लेटेस्ट पेपर दूंगा असाइनमेंट के फॉर्म में, इस साल मेंस में क्या आया, इस साल नीट में क्या आया, मतलब बस आया पढ़ा अगले हफ्ते ये आया, और जो पिछली बार आया ये प्लस टू के अंदर लाइव चलता है, वो मैं नहीं करता, वो बच्चे ही करते हैं, अगर मैंने ही कर दिया फिर तो ठीक है, फिर तो आप यस सर करते रहोगे, समझ तो कुछ आता ही है सबको, इतना ही क्यों सबका है, समझा तो मैं दूंगा ही, मज़ा तब है जब स्टूडेंट करे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते भी नहीं लोगों के, कोई बात नहीं फिर हम क्लास के बाद उसको डिस्कस करते हैं, भाई ऐसे करना ऐसे करना है, इसी से आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी, जब आप खुद फाइट करोगे और खुद क्वेश्चंस को खुद निकालोगे, वही यूजफुल है, ठीक है यहाँ तक? तो आप चिंता ना करो, दो थोड़े दिनों में देखना आप एकदम भागने लगोगे नॉन मेडिकल में धीरे धीरे करके। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, आपने एक रीडिंग ली, एक करेक्ट रीडिंग क्या है 2.1, कौन सा एरर है इसका? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1, ऐसे लिखा, तो 2 ± 0.1 का मतलब, 0.1 का मतलब जो आपने रीडिंग ली होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, दोनों का डिफरेंस इज 0.1। और अगर आप इस एब्सोल्यूट एरर को इसकी करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो फ्रैक्शन आएगा, एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन आएगा, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू। जैसे आपकी रीडिंग है a± Δ A, तो रिलेटिव एरर क्या होगा बोलो? Δ A को किससे डिवाइड करना है? a से। अब कई लोग ये भी कहते हैं, गलत नहीं कहते, पहली पहले नए नए आते हैं तो ऐसा हो जाता है नॉन मेडिकल मेडिकल में, नए नए स्टूडेंट, अरे ए से कैंसल, क्या बचा? डेल्टा। आम मिस्टेक है, गलती नहीं है आपकी, कोई भी ऐसा कर सकता है, क्या गलत है? कोई हमें सिखाया गया है काट दो, नहीं, डेल्टा काट नहीं सकते इसे, क्यों? क्योंकि डेल्टा ए का मतलब क्या है? डेल्टा ए का मतलब है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ क्या? ए डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए, यही है ना? तो आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं इसको इससे काट दूंगा और मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, ये क्या बात बनी? बस चेंज रह गया भाई, ये कौन सी डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है? इंग्लिश में आज के बाद इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी चेंज हुई, और डेल्टा कितना है? डेल्टा किस में निकालना है ये तो बता दो, ए तो काट के बैठ गए, तो डेल्टा ए से ए कभी भी नहीं कटेगा, कॉमन मिस्टेक है, नहीं काटना, क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे 2 को
को ए से रिप्रेजेंट किया, करेक्ट वैल्यू 0.1 डेल्टा ए, तो रिलेटिव एरर क्या हुआ, डेल्टा ए बाय ए 0.1.2 इसका रिलेटिव एरर। क्लियर है सेकंड रिप्रेजेंटेशन? पहली रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, एब्सोल्यूट एरर, दूसरी कौन सी है, रिलेटिव एरर, तीसरी, हाँ हाँ फ्रैक्शन में लगाओ जो मर्जी करो कोई चक्कर, करो सिंप्लीफाई, तीसरी है परसेंटेज एरर। जो रिलेटिव एरर है ना ये फ्रैक्शन में आएगा, कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में, तो परसेंटेज एरर। तो देखो रिलेटिव एरर कितना है 0.1/2, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 100, तो कौन सा एरर आया, परसेंटेज एरर। तो यानी कि परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100, यानी कि अगर ये रीडिंग डेल्टा ए है और ये ए है तो परसेंटेज एरर क्या हुआ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और वैल्यूज में क्या आएगा 0.1/2 इंटू 100, 5%। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा क्या है, रिलेटिव एरर, तीसरा क्या है, परसेंटेज एरर। तो आपको ये समझ में आ गया, याद नहीं करना कुछ भी, अब इसको अप्लाई करना है, करना क्या एग्जैक्टली ये बताऊंगा। तो मैंने क्या लिखा, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है 2 ± 5%, तो 2 का मतलब करेक्ट वैल्यू, 5% का मतलब परसेंटेज एरर। तो अगर ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं गिवन तो एब्सोल्यूट एरर है, और अगर परसेंटेज लग गया तो कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर है। लिखने का तरीका है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई टीचर कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, और कोई स्टूडेंट वैल्यूज मेजर करता है, ये ऑब्जर्वेशन देता है, ऑब्जर्वेशन देता है, क्या निकालना है आपको, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या करें, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आंसर एक आंसर आ गया। नेक्स्ट में क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब वो क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, पहले ना आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, शायद 1.45 यहाँ लिखो, फिर 1.56 लिखो, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53, इसका एवरेज लो, एवरेज मान लो कितना आ रहा है 1.5, एक आंसर आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, मीन बाद में निकालना, पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है 1.45 - 1, मैग्नीट्यूड ओनली, अगर माइनस आ रहा है तो भी पॉजिटिव लेना है, बताया था मैंने। तो पहला एब्सोल्यूट एरर आ गया, दूसरा एब्सोल्यूट एरर बोलो क्या होगा, 1.56 - 1.51, तीसरा 1.54 - 1.51, नेक्स्ट 1.44 - 1.51, 1.54 - 1.51, 1.53 - 1, तो एब्सोल्यूट एरर आ गए। इन्हें सॉल्व करेंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यूज को फिर एवरेज करेंगे, ये सब एरर्स हैं, एवरेज करके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04। सेकेंड आंसर आ गया। अब एवरेज तो मैं निकालने नहीं कहूँगा ना, तो चैप्टर तो वैसे बता रहा हूँ कि जो आपने सीखा उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी मीन वैल्यू है, ये आपका कौन सा एरर है, मीन एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट है, लेकिन ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो ये मीन एब्सोल्यूट है। क्लियर है? ठीक। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर एक ही बात है, तो क्या करें, 0.04 को किससे डिवाइड करें, 1 point, क्योंकि आप टीचर को अपना आंसर क्या देने वाले हो, आप आंसर देने वाले हो 1.51 ± 0.04, ये आंसर देने वाले हो, राइट? तो अब क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड, आ गया एक और आंसर। और लास्ट में क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, तो ऑब्वियसली जो फ्रैक्शनल आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, परसेंटेज। तो क्या ये आइडिया क्लियर है इस क्वेश्चन का कि कैसे करना है, कोई डाउट? ठीक है। तो जितनी मैंने थ्योरी करवाई वो थ्योरी में से नहीं कुछ आता, ये आएगा आपको सिंपल, एक रीडिंग दे देगा और कहेगा ये निकाल लो। समझ में आया फ्रिक कैसे चलेगी, ये तो कह रहा था, याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं, ये तो मजे की बात है, या तो कुछ करना ही नहीं, या तो बस समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। कुछ पोर्शन है डेरिवेशन, डेरिवेशंस करनी होती हैं इसमें, वो भी स्टार्ट नहीं हुई, वो भी आएंगे। बोलो,
ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू एवरेज को ट्रू मानते हैं, बस यही ट्रू है, नहीं तो सारी जिंदगी ये नहीं पता लगेगा कि ट्रू क्या है। वो तो सोल्यूशन है, वो तो मैंने आंसर लिखा भाई, तुम घर जाके जब सॉल्व करोगे तो उसका आंसर 1.5 है। वो तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा कि मैं कैलकुलेटर लेके सॉल्व थोड़ा करूँगा एवरेज, तुम्हें कहूँगा एवरेज निकाल लो, तुम 15 मिनट लगा दो एवरेज निकालने में, और मैं अब तुम्हें एवरेज निकालने की प्रैक्टिस थोड़ा करवाऊँगा क्लास में कि एवरेज कैसे निकलती है। तो इसलिए मैं अपना आंसर नोट करके लाया हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा, ये कह रहा हूँ। अभी चैप्टर ना आपके करने लायक हुआ नहीं, अभी अभी होने वाला है अभी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, असली तो अब चैप्टर स्टार्ट है। वो तो लिखने का तरीका था, ये एरर होता है, एरर होता है, एरर होता है। प्रॉब्लम इस चैप्टर की पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक स्टूडेंट है वो कहता है सर मैंने वो पूरी इस दीवार वहाँ से वहाँ तक लेंथ मेजर कर ली। मैंने कहा कितनी? वो कहता है मेरी लेंथ है 2 मीटर। और मैंने कहा एरर? कहता है पॉइंट में लगा लो। ठीक है। मैंने कहता मैंने विड्थ मेजर कर ली। मैंने कहा कितनी? कहता है 3 ± 0.1, उसमें भी एरर लगा लो, गलती तो हुई होगी, उसने बार बार रीडिंग ली होंगी, तो रीडिंग लेने के बाद मुझे आंसर बता दिया। इसकी लेंथ में भी उसने बार बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो करने के बाद उसने ये फाइनल आंसर मुझे दे दिया, दे दिया। 2 रीडिंग ली, एक लेंथ की और एक विड्थ की। मैंने कहा एक काम कर, एरिया निकाल। ठीक है, इस फ्लोर का एरिया निकाल दे। तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू विड्थ, ऐसे करना पड़ेगा। अब वो प्रॉब्लम में फंस गया। वो कहता है यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा कैसे? कहता देखो मैं छोटी क्लास में करके आया, 10th 9th 8th, ये एरर का चक्कर ही नहीं था। मेरे को बस ये बताया जाता था कि लेंथ 2 है, विड्थ 3 है, और एरिया 2 × 3 = 6। सिंपल। तो आज भी कोई अलग थोड़ा सिखाऊंगा कि एरिया प्लस वन में थोड़ा चेंज हो जाएगा रेक्टेंगल का, एरिया तो 2 × 3 रहेगा। तो अगर एरर ना होता तो एरिया क्या होता? 2 × 3 = 6। पर प्रॉब्लम ये है कि एरर तो है, तो अब मैं एरर्स का क्या करूं? सही वैल्यू को तो मैंने सही वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको सही एरिया दे दिया, 2 × 3 = 6। लेकिन टीचर कहेगा भैया तेरी लेंथ तो गलत थी, लेंथ में तू बोल रहा था एरर है, विड्थ में तू बोल रहा है एरर है, तो तेरा एरिया ठीक कैसे निकलाया? एरिया में भी तो कोई क्या होगा, एरर। तो बोल तेरे एरिया में क्या एरर है। ये मैं समझ गया, टीचर कहेगा कि अगर तू सही वैल्यू 2 लेता है, सही वैल्यू 3 लेता है, सही एरिया 6 ही आएगा। पर भैया ये तो बता, तेरा लेंथ में एरर 0.1 है, विड्थ में एरर 0.1 है, तो एरिया में क्या एरर आया? क्या तूने 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया? मन तो यही कर रहा है सबका, उठा के मल्टीप्लाई कर दो, पर ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या होगा, ये आंसर आपको ये चैप्टर देगा। सिमिलरली कोई कहता है ठीक है मैं इस दो बेंचेस की विड्थ मेजर करना चाहता हूँ, लेंथ मेजर करना चाहता हूँ। पहली बेंच मैंने पूछा चल बता पहली लेंथ कितनी है बेंच की, कहता है 2 ± 0.1। ठीक है, तो मैंने कहा 2 क्या है? कहता है 2 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, पर मेरी मेजरमेंट में एरर आ गया 0.1, तो मुझे पता नहीं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, बस 2 ± 0.1 है। 0.1 ज़्यादा भी हो सकती है, 0.1 कम भी हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, दूसरे बेंच की लेंथ कितनी है? तो कहता है 3 ± 0.1, वो भी मुझे गलत बता रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि 3 इसकी करेक्ट वैल्यू है, पर एरर कितना है 0.1। तो मैंने कहा एक काम कर, दोनों बेंच को जोड़ दे, तो बता नई लेंथ कितनी है। अगर मैं एरर ना देता, हर को पता है सही लेंथ देता 2, सही लेंथ देता 3, तो टोटल लेंथ क्या 2 + 3 = 5, कोई दिक्कत ही नहीं। एरर का क्या करूं? हाँ, अब आपका मन कह रहा होगा एरर को भी ऐड ही कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? इसकी लेंथ वो बोलता रहे 2 ± 0.1, उसकी लेंथ कितनी है 3 ± 0.1, तो करेक्ट वैल्यू को करेक्ट वैल्यू में ऐड करके 5 तो आना ही आना है। पर यहां पर प्लस वन में मैं आपसे ये थोड़ा पूछूंगा कि 2 + 3 कितना होता है 5, ये कोई क्वेश्चन है? ये तो आप करके आए हो। यहां पर क्वेश्चन है एरर्स का क्या करना है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहां पे चलेगा फिजिक्स में, प्लस वन का चैप्टर ये है, ये नहीं है। ये तो पता ही है कि दो नंबर को ऐड करेंगे, करेक्ट वैल्यू में ऐड करके आंसर 2 + 3 = 5, 5 तो आना ही आना है। एरर क्या लगेगा पीछे? एरर क्या लगा? 0.2। मैंने क्या कर दिया? ऐड। पर सोचने वाली बात यह है, मैंने ऐड तो कर दिया, पर एरर माइनस भी तो हो सकता था, एक एरर प्लस एक एरर माइनस, तो फिर मैंने ऐड क्यों किया? फिर उसी तरीके से अगर मैं इन दो वैल्यूज को ऐड करने की बजाय आपको क्या देता हूं? माइनस।
तो आप करेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू माइनस करके आंसर माइनस वन निकालते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन एरर्स का क्या करूं, माइनस कर दूं? अगर आप मुझे कहते हो माइनस कर दो, तो आप कहोगे वाह सर बहुत बढ़िया, इसमें एरर, इसमें एरर, आंसर में कोई एरर नहीं, गलत गलत विल गिव सही आंसर, ये कैसे हो गया? तो गलत गलत विल गिव गलत आंसर 100%। तो यहां पे एरर क्या आएगा ये चैप्टर बताएगा। और ऐसे ही अगर मैंने क्या कर दूं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो वो तो पता ही है 2 × 3 = 6 आना है, पर क्या मैं इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दूं, पता नहीं। ऐसे इन्हें मैं अगर क्या करता हूं डिवाइड, ये तो पता ही है 2/3 आएगा, तो फिर इन्हें क्या करूं पता नहीं। इसका मतलब ये चैप्टर किस में डील करता है, एरर्स जो आए उनके एलजेब्रा का, एलजेब्रा में क्या होगा कि अगर मैं एरर्स को एरर में ऐड करूंगा तो आंसर क्या होगा, सबट्रैक्ट करने पे आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? ठीक, समझ में आ रहा है? नींद के साथ समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक, ओके। देखो तो ये समझ में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, एलजेब्रा करेंगे। एरर्स के एलजेब्रा में जैसे पहला क्वेश्चन है एडिशन करते हैं, हम चेक करते हैं कि एडिशन के अंदर एरर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे सपोज एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर मेरी जो रीडिंग है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा कितनी, कहता ए, कोई एरर नहीं, सही। फिर वो कहता एक और रीडिंग है बी, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं। तो मुझे बताओ ऐड करने पे आंसर क्या आया, तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैं ए और बी को ऐड करूँगा, मेरा आंसर क्या आया, सेट। एरर्स का कोई चक्कर है ही नहीं, तो मतलब अगर वो मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ ए देगा कोई एरर नहीं, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी देगा तो आंसर में भी कोई एरर नहीं आएगा, कोई डाउट? लेकिन अगर वो मुझे ए विद एरर देगा, ए में एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा ए, उसने मुझे ए के साथ एरर दिया, अगर उसने मुझे बी के साथ भी एरर दिया तो ऐड करने पे मैं आंसर जो जेड बोलता था उसमें भी क्या आएगा, एरर। तो जेड में एरर क्या आया, डेल्टा सेट। तो ए में अगर उसने एरर दिया, बी में एरर दिया, तो फिर समझो जेड में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो दो इक्वेशंस क्लियर है, बिना एरर के ये रहा, एरर के साथ ये रहा। अब रूल क्या है, इसे ओपन करो, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस कॉमन, तो क्या बनेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये स्टेप क्लियर है, राइट? आप मुझे बताओ a प्लस बी किसके इक्वल है, z। तो a प्लस बी और z आपस में क्या हो गए, या a प्लस बी की जगह क्या पुट कर लें, z। z माइनस z क्या हो जाएगा, जीरो, कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ गया, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये एक आंसर आ गया जो एरर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, कि अगर a में एरर डेल्टा a था, b में एरर डेल्टा b था, तो Z में एरर डेल्टा Z होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे A की रीडिंग क्या थी, 2 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पर A कितना है, 2, डेल्टा A कितना है, 0.1। B की रीडिंग कितनी है, 3 प्लस माइनस 0.1, तो B कितना है, 3, और डेल्टा B कितना है, 0.1। मेरे को कहा गया इन्हें ऐड कर दो, जब ऐड करना है तो ऐड करके आंसर क्या आएगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ऐड करके आंसर क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, एरर तो आएगा ना, तो मुझे क्या बताना है, z, मुझे क्या बताना है, डेल्टा। अब z क्या, z का मतलब क्या है, a प्लस b, क्योंकि करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू, और डेल्टा z हमने क्या प्रूव किया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो मुझे बताओ कि इसमें a कितना है, 2, b कितना है, 3, तो z की जगह 2 प्लस 3, 5, और डेल्टा z में क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो 0.1 और 0.1 कितना होगा, 0.2। तो इसका मतलब सिंपल कैलकुलेशन है कि जब दो नंबर्स आपस में ऐड होंगे
तो करेक्ट नंबर में तो ऐड होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। ये इसका प्रूफ था। तो आपको प्रूफ करने को नहीं आता स्कूल में, कंपटीशन में भी नहीं आता। तो मजे की बात देखो, क्या बढ़िया कोर्स है। मैं हर चीज को क्या बोल रहा हूं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और ये भी नहीं आता। देखो आज तक मैंने अभी कहा, जब से पढ़ा रहा हूं, कि ये आता है, मैंने एक भी नंबर का अभी कोर्स नहीं कराया आपको। एक नंबर भी अचीव नहीं करोगे, एक नंबर नहीं आएगा अगर आप आज पेपर में जाके बैठ जाते हो एक। ठीक, चिंता ना करो, कुछ दिनों के बाद बोलना शुरू करूंगा, अब ये भी आता है, अब ये भी आता है, और ये भी आता है, और ये भी आता है, अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी बेस बन रहा है ना, तो बेस बनने में कम से कम 10-15 दिन लगते हैं, फिर एकदम गाड़ी ट्रैक पे चलती है। ठीक, तो मार्क्स के लिए नहीं है, सब्जेक्ट के लिए है। तो रिजल्ट क्लियर है सबको, याद तो कुछ करना ही नहीं। ये तो बहुत से आपको, ये तो बहुत लंबी कहानी सुना दी मेरे को, वैसे ही बता देते सर एरर्स ऐड होते हैं, मेरे को इतना झगड़ा करना ही नहीं था, मेरे को वैसे ही बोल देते अगर ये नंबर 2 है विद एरर, 3 है विद एरर, तो आंसर क्या होगा। मैं सिंपल बोल देता, 2 में 3 ऐड कर दो, 0.1 में 0.1 ऐड कर दो, डन। हाँ तो कर लो, किसने कहा ये पूरी फिजिक्स करने के लिए मत करो ऐसे। मैं कौन सा करता हूँ वो डेल्टा डुल्टा, मैं कुछ नहीं करता। मेरे को 2 नंबर ऐड करने को, मैं सिंपल ऐड कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? फिर आप कहोगे सर फिर ये क्यों यार, क्यों ऐसे, कैसे यार ऐसे क्यों। किताब तो परचेज करोगे, किताब में ऐसी भाषा लिखी होगी, फिर अच्छा लगता है। मैं कहूँगा देख वही तो कर रहा है, ऐड ऐड करके ऐड। किताब भी तो पढ़ोगे, किताबी भाषा तो यही है सारी। फिर स्कूल में जाओगे, स्कूल का टीचर भी बोर्ड पे कोई डेल्टा डेल्टा करेगा, आपको कहोगे यार हमें तो ये सिखाया था, ऐड कर दो, ये क्या करे जा रहे हैं। तो आपको फॉर्मल लैंग्वेज भी साथ साथ समझ में आनी चाहिए, कि फॉर्मल लैंग्वेज में तो किताब भी तो पढ़नी आनी चाहिए, पेपर में लिखने का स्टाइल भी तो आना चाहिए, ये काम है। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक, पहला रिजल्ट क्लियर हो गया, तो एडिशन क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। क्वेश्चन पढ़ना, इन एन एक्सपेरिमेंट देर आर टू रेजिस्टेंसेस। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 100 प्लस माइनस 3, तो ये कितना है R1, तो ये कितना है डेल्टा R1। R1 का एरर क्या होगा, डेल्टा R1। ये क्या है R2, ये क्या है डेल्टा R2। गिवन है 2 रेजिस्टेंसेस, किसमें कनेक्टेड है सीरीज में, क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है सीरीज में, R1 प्लस R2, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को उस वैल्यू में ऐड करूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर एरर ना होता, देखो कितना आसान था, करेक्ट वैल्यू 100, करेक्ट वैल्यू 200, आंसर इज 300, सिंपल। तो 300 तो आना ही आना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे रेजिस्टेंस R1 जो गिवन है विद एरर गिवन है, R2 गिवन है विद एरर गिवन है, राइट, R1 विद एरर, R2 विद एरर। तो इसको तो इसमें सिंपल ऐड कर ही देना 300, और एरर को भी क्या करना होता है एडिशन में ऐड, तो आंसर क्या आएगा 4 और 3 कितना 7। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 300 प्लस माइनस 7। क्लियर? हाँ, फॉर्मूले के साथ भी किया हुआ है मैंने, कि आर एस क्या होता है करेक्ट वैल्यू ऑफ R1, करेक्ट वैल्यू ऑफ R2। डेल्टा आर एस क्या होता है, एरर क्या होगा इसमें, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, क्योंकि 2 नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में ऐड होंगे। ये लिखने लिख दो, मेरे को लगता है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा आपसे। तो इस नंबर को इसमें ऐड, इस नंबर को इसमें ऐड, आंसर। तो एडिशन का प्रोसेस क्लियर है सबको, जब 2 नंबर्स विद एरर आएंगे तो कुछ नहीं करना, नंबर्स को तो ऐड करना ही करना है, उनके एरर्स को भी ऐड कर देना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड क्या है, सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर करेक्ट वैल्यू ए है, करेक्ट वैल्यू बी है, तो करेक्ट वैल्यू जेड है। ठीक है, ए करेक्ट वैल्यू है, बी करेक्ट वैल्यू, तो जेड भी करेक्ट वैल्यू आएगी, सही है। पर अगर वो कहता है कि अगर मैं ए को विद एरर दूं,
ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को भी विद एरर दूं बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और अब इन दोनों को माइनस करूं तो मेरा जो आंसर आएगा उसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, एरर। तो करेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, ए विद एरर, बी विद एरर, जेड विद एरर। क्लियर है यहां तक? इसे ओपन कर दें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस डेल्टा बी। क्या स्टेप क्लियर है? होता नहीं है, और मैथ तो कहता ही है माइनस है तो ओपन करो तो उल्टे साइन कर दो। क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है ओपन करने वाला? ठीक है, ए और बी एक ब्रैकेट में, इसने बिल्कुल सही बोला। फर्क क्या है प्लस माइनस डेल्टा और माइनस प्लस में? प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? या प्लस या माइनस। मैंने पूछा एक वैल्यू बोलो, आपने कहा मुझे नहीं पता, या प्लस या माइनस कुछ भी एक। चल मैं कहा छोड़, माइनस प्लस बोल के है, आपने कहा या माइनस या प्लस, मैं डिफाइन ही कर पाता तो फिर एक साइन ना लिख देता, मुझे पता ही नहीं या प्लस या माइनस। तो इसलिए प्लस माइनस और माइनस प्लस में कोई फर्क है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया यहां तक? क्लियर? तो इसीलिए इसमें से और इसमें से अगर मैं प्लस माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है? तो ये प्लस माइनस ही कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन ए माइनस बी किसके इक्वल है इसमें, जेड, जेड से जेड कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। आंसर वही आ गया जो एडिशन में आया। क्या आंसर आया? कि करेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू माइनस करके जेड आएगा, लेकिन इनके एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर इसमें क्या होंगे, ऐड ही होंगे। ये रिजल्ट क्या क्लियर है? एडिशन के अंदर भी डेल्टा जेड क्या था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जैसे दो नंबर सब्ट्रैक्ट होने हैं, ये ए डेल्टा ए, ये बी डेल्टा बी, राइट? आंसर क्या आएगा, जेड डेल्टा जेड। तो करेक्ट नंबर में से करेक्ट नंबर माइनस करके क्या आएगा, ए माइनस बी। लेकिन डेल्टा जेड का रिजल्ट क्या है सब्ट्रैक्शन में, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं, डेल्टा ए, एरर सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं। बस ये ना बात दिमाग में बिठा दो, इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं आप करते करके एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप वहीं पेन को छोड़ देना, आप सोच लेना आपने गलत किया है। एरर्स, गलतियां और गलतियां और गलतियां, बहुत सारी गलतियां होती हैं, गलती माइनस गलती जीरो कभी नहीं होती। तो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे आपको, एरर्स हमेशा आपस में ऐड ही मिलेंगे। अगर गलती सब्ट्रैक्ट हो भी रहे 100% क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, चुप करके प्लस ही लगा देना, माइनस तो लगाना ही मत। अगर गलती समझ नहीं आ रहा क्या करूं, माइनस आ रहा है तो वो भी प्लस कराना, तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर माइनस मत करना कभी भी। क्या सही फॉर्मूला बता दिया आपको एरर का? ठीक है, यहां तक हम तो मैथमेटिकली करेंगे, पर अगर आपसे कोई गलती हो, आपसे भी अगर गलती हो जाए तो गलती कैसे ठीक करनी है, आपकी गलती कैसे ठीक होगी, माइनस नहीं लगाना। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं दो नंबर को माइनस करता हूं तो करेक्ट नंबर में से करेक्ट नंबर माइनस करके तो क्या आएगा, माइनस वन आना ही आना है, लेकिन इनकी गलतियां और गलतियां माइनस नहीं होंगी, गलतियां हमेशा ऐड ही होंगी। क्लियर है? प्लस का ऑपरेशन क्लियर है, माइनस का ऑपरेशन क्लियर है। प्रूफ्स नहीं आते, प्रूफ नहीं आते पेपर में, सिर्फ कैलकुलेशन करनी आती है, कैलकुलेशन आ रही है, आपको ये पूछेगा माइनस करके बताओ आंसर क्या है, प्लस करके आंसर क्या है, कैसे आया, वो तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखा देखा देखा, ऐड हो गए। बताने को तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लो, दो मिनट में चैप्टर क्लोज। आप सारी रात सोच जाओगे बैठ के, यार ये हुआ क्या है, कैसा है रहा है, तो समझ में नहीं आया ऐड क्यों करी जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकते। इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, इसलिए क्योंकि प्रूफ से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, अदर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? दो डिफरेंट मासेज हैं, दो मासेस को किसने मेजर किया, पहला मास इतने ग्राम है विद एरर, दूसरा इतने ग्राम है विद एरर, क्या निकालना है? सब ये ना करेक्शन करो, सम नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस करो, यहां फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस, सम नहीं है, सब्ट्रैक्शन कर लो। सिंबल जो मर्जी करो, मैं जेड जुड़ को यूज़ नहीं करता, मैं तो क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता,
मैं तो इस माइनस करना है ना, ना मैं ए लिखूं, ना मैं बी लिखूं, ना मैं जेड लिखूं, वो तो आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। मैं इसमें से इसे क्या कर दूंगा, माइनस, लेकिन इसे और इसे क्या कर दूंगा, ऐड, खत्म। इतना ही करना है तुमने भी। ए उ तो चलो ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, आपने आंसर क्या बोलना है कि इसमें से ये नंबर माइनस, तो अगर आप इन्हें माइनस करोगे, ये देखो ये माइनस, लेकिन एरर्स आपस में क्या करोगे, ऐड, फाइनल आंसर। क्लियर है, आंसर लिखना आ गया, डन। कुछ नहीं चाहिए और, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ओके, कौन सी शीट खत्म हुई है, वन वन, इसमें नंबर लिखा हुआ है शीट पे ना, शीट नंबर वन स्टार्टिंग में लिखा होता है, शीट नंबर, हर शीट पे नंबरिंग गिवन होती है उसका, ये बड़ी ज़रूरी है नंबरिंग, क्योंकि जो बुक है ना उसमें नंबरिंग हो रही होती है। आपको ये नंबरिंग क्यों, शीट ढूंढने के काम आएगी? ना ना, जब सेप्टेम्बर में पेपर होगा ना, आपको एक लिस्ट बना के दूंगा PDF में, शीट नंबर वन फॉर NCERT, शीट नंबर थ्री फॉर कॉम्पिटिशन, शीट नंबर सेवन फॉर NCERT, शीट नंबर एट फॉर कॉम्पिटिशन। फिर ये भी बना के दूंगा कि ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जब भी स्कूल में पेपर होगा मुझसे मांग लेना, लिस्ट बना रखी है हमने टॉपिक्स की, कोई छोड़ मत जाना। ये लिस्ट है, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ये आएगा पेपर में। अब किताब कहाँ ढूंढोगे, उसके आगे लिखा होगा शीट नंबर 45, सीधा शीट नंबर 45 खोलना, वही मिलेगा आपको टॉपिक। तो लिस्ट क्रॉस चेक करके भिजवाता हूँ, जब स्कूल का पेपर होगा ना तो मैं देता रहूँगा आपको, क्या क्या लिस्ट है वो आपको रखनी है, विद शीट नंबर लिख के देता हूँ उसमें मैं, ताकि आपको ढूंढना भी आसान हो जाए, नहीं तो ढूंढते क्या, ढूंढते रह जाओगे यार, पता नहीं कहाँ गया। क्लियर है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या ऑपरेशन है, डिवीजन। देखो जो डिवीजन है ना, उसमें करेक्ट नंबर ऑफ ए, करेक्ट नंबर ऑफ बी, करेक्ट नंबर ऑफ जेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए विद एरर, बी विद एरर, तो जेड में भी एरर। क्लियर है, ध्यान से, न्यूमिनेटर में से ए कॉमन निकाल लो, निकल नहीं रहा जबरदस्ती निकाल लो, ए कॉमन निकालोगे वन, इसमें तो निकल गया, इसमें से था नहीं क्योंकि डेल्टा और ए तो एक ही चीज़ है, तो इसको ए से डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मैथ्स में करते ही हो कि इसमें से अगर आप कॉमन निकालते हो ए, तो इसकी जगह वन और इसकी जगह डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा करके देख लो, उल्टा कर लो, जब आप ए को इस ब्रैकेट में लेके जाओगे तो ए इंटू वन ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से ए कैंसिल, डेल्टा ए। क्या स्टेप क्लियर है, स्टेप क्लियर है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में से बी कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आएगा वन, ये क्या बनेगा डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है, ठीक, आपको प्रूफ नहीं आएगा, आप सिर्फ स्टेप समझो। नेक्स्ट, इस पूरी टर्म को अगर आप न्यूमिनेटर में लेके जाते हो तो रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, है ना, ये वाली टर्म को ऊपर लेके जाते हो रेज टू पावर माइनस वन। तो ये क्लियर है यहां तक ये स्टेप, कोई डाउट इसमें? आगे चलने से पहले मैथ्स में एक थ्योरम सिखाई जाएगी नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल को कोई नहीं सिखाएगा, मैं ही सिखाऊंगा, और फिजिक्स में इतनी रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है, जैसे कोई टर्म है वन प्लस एक्स या कुछ भी, इसकी अगर वर्ड फर्स्ट टर्म वन, पहली टर्म क्या है वन, ऊपर पावर सेवन बाई टू, थ्री बाई टू, माइनस वन बाई टू, देखो आपको इतना ही आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर सेवन बाई टू खोलना नहीं आता, पर मैथ्स के लोग खोल देते हैं उसको भी। मैथ्स में प्लस वन का मैथ्स एक कॉम्प्लेक्स पावर्स की भी एक्सपेंशन कर देता है पूरी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बहुत छोटी चीज़ रह जाती है, इसमें तो ए प्लस बी रिस्वर सेवन बाई टू को भी खोल देते हैं वो पूरा, क्या कमाल है। और कौन सी थ्योरम खोलती है, बाइनोमियल थ्योरम, हमने नहीं खोलना, हमें हमारी फिजिक्स में अगर पहली टर्म वन गिवन हो, दूसरी कुछ भी हो और ऊपर कोई भी पावर हो, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होगा वन प्लस एन टाइम्स एक्स। ये फॉर्मूला है मैथ्स का, ये फिजिक्स नहीं है, मैंने कहाँ से लेके आऊँ ये फॉर्मूला, मैथ्स से।
और मैथ्स के किस चैप्टर से? बाइनोमियल थ्योरम से, बस ये याद करना है। तो आप चेक करो, हम यहां फंस चुके हैं क्योंकि होल पावर क्या चल रही है? -1। और मैं ब्रैकेट ओपन करना चाहता हूं, टेंथ तक तो मेरे को सिखाया नहीं, तो मैंने अभी बाइनोमियल सीखी, पहली टर्म क्या है? 1। और पावर पता है तो हाँ, मुझे समझ में आता है कि अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूं तो इसे और इसे मुझे आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस प्लस। माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। क्लियर है ये स्टेप? क्लियर है? यहां तक क्लियर था? इसको ओपन करना है, पहली टर्म वन, पहली टर्म वन, दूसरी टर्म एक्स, दूसरी टर्म एक्स, ओपन करना हो तो क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, ओपन करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। जब माइनस वन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस और प्लस। क्या स्टेप? क्लियर है? ठीक, वो अलग बात है कि प्लस माइनस माइनस प्लस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब यहां तक रिजल्ट आ गया। अब एक काम करो, इस पूरे को खोल दो। कैसे खोलना है? वन को इससे मल्टीप्लाई वन, वन को इससे मल्टीप्लाई ये टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई ये टर्म, और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ओपन कर दिया इसमें, आपको प्रूफ नहीं करना। हाँ, ओपन करना आ रहा है, डाउट है इसमें? ओपन कर लोगे। अब लास्ट स्टेप है, डेल्टा ए डेल्टा बी ए अपॉन बी, ये टर्म ना बहुत छोटी है, मुझे कैसे पता लगा देखते हुए छोटी है? आपको क्या? मेरे को तो नहीं पता लगा छोटी है। सर आपको कैसे पता लगा ये छोटी हो गई? देखो छोटी कैसे होती है, जैसे आपके पास ए विद एरर इतना है, जैसे 2 है और एरर तो बहुत छोटे होते हैं, मैंने बताया था, बी विद एरर इतना है। तो अगर मैं इस टर्म को कैलकुलेट करूं, ये देखो डेल्टा ए कितना है? 0.01, डेल्टा बी कितना है? 0.02, ए कितना है? 2, बी कितना है? 3। तो सोचो सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 0.000333। मतलब इतने लेवल पे कैलकुलेशन करोगे फिजिक्स में? इतनी छोटी 0.000000 में, मतलब अगर मैं बैंक गया और मैंने एफडी करवाई, कितने की मैंने एफडी करवाई? 10 लाख रुपए की। बैंक वाले ने कहा कि नहीं, मैंने बैंक वाले को कहा कि यार मुझे को लगता है कि पैसे ज़्यादा बन रहे हैं। उसने कहा सर कितने? मैंने कहा देख 10,00,000001। हाथ जोड़े, सर किसी और बैंक में एफडी करा लो, इतने पैसे मेरे पास नहीं देने के लिए। तो 10 लाख के सामने 0.0001 काफ़ी छोटा है, कैन बी निग्लेक्टेड। उसी तरीके से ये टर्म्स के सामने, अब वन और इन टर्म्स के सामने ये टर्म 0.000 something, क्या करोगे इसको रख के? कैलकुलेशन मुश्किल ही करोगे। तो फिजिक्स वाले क्या करते हैं, अगर दो तीन टर्म्स हैं, जो तीन टर्म्स बड़ी हैं और बाकी टर्म पता है कि क्या आने वाली है, बहुत छोटी, तो इसको क्या कर देते हैं? अप्रोक्सीमेटली कहते हैं छोड़ ही दो, क्या करेंगे रख के? निग्लेक्टेड। तो इसको छोड़ दिया, छोड़ के आपके पास ये टर्म बन गई, सिर्फ चौथी टर्म तो उड़ गई ना, उड़ा दिया, तो ये टर्म आ गई आपके पास। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक हमने निग्लेक्ट कर दिया, हमें पता है कि वो वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है, निग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है? और लास्ट स्टेप है, इस दोनों टर्म्स को Z से, लेफ्ट और राइट Z से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में Z किसके इक्वल है? A अपॉन B, क्योंकि हम दो नंबर्स की क्या कर रहे हैं? डिवीजन। तो ये और ये आपस में कैंसिल, क्या बचा? Z अपॉन Z, डेल्टा Z बाय Z, ये कट गया, ये क्या बना? 1, ये टर्म और ये टर्म। ये स्टेप क्लियर है? चेक करो प्लीज स्टेप। ठीक है, आता ठीक है यहाँ तक? तो आपके पास ये स्टेप बन गया, और लास्ट स्टेप है Z बाय Z क्या होता है? 1, 1 और 1 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस एक ही बात है, तो सब कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ ये फॉर्मूला। आपने इसका प्रूफ नहीं करना, वो तो मैं बताने के लिए बताया कि देखा देखा ये फॉर्मूला आया। मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा, कौन मानेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो सॉल्व करके ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि जब दो नंबर्स आपस में क्या होते हैं? डिवाइड,
तो रिलेटिव एरर दोनों के क्या होते हैं? ऐड। तो देखो ये क्या है रिलेटिव एरर ऑफ जेड, ये क्या है फ्रैक्शनल या रिलेटिव, एक ही बात है। फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड, फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी, ये ऐड होते हैं। तो फॉर्मूला ये याद करना है डेल्टा जेड का। अब आएगा क्या पेपर में? लगाना, ये नहीं आएगा कुछ भी। ये तो ठीक है, आपने सुन लिया, अच्छी बात है। फॉर्मूला याद रखना है, लगाना कैसे है ये देखो। अगर आपको दो नंबर आपस में क्या बोलता है, क्या करना है, डिवाइड, तो मुझे ये पता है कि जेड इसमें क्या होगा, करेक्ट नंबर को करेक्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर तो मैं एक मिनट में बता सकता हूं। ए अपॉन बी, बोलो क्या आएगा, जेड 2/3। तो जेड क्या है, 2/3। क्लियर है? इस चैप्टर में मेन प्रॉब्लम ये है ही नहीं, डिवाइड करके क्या आंसर आएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा जेड। अब क्योंकि दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड, डिवीजन के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, ये लगता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये लगता था, डिवीजन में ये बड़ा फॉर्मूला लगेगा। इस बड़े फॉर्मूले को यूज करके आपको डेल्टा जेड निकालना पड़ेगा। कैसे? ये फॉर्मूला लिख लिया आपने डेल्टा जेड निकालने के लिए, डिवीजन के अंदर ये फॉर्मूला है, तो जेड किसके इक्वल आया यहां पे, 2/3। जेड क्या है, 2/3, तो जेड की जगह यहां पे क्या किया, 2/3। डेल्टा ए कितना है, 0.1, ए कितना है, 2, डेल्टा बी कितना है, 0.2, बी कितना है, 3, पुट कर दिया डेल्टा जेड बाय 2/3, 0.12, 0.23। इसको 2/3 को राइट साइड पे ले गए, इस पूरे को सॉल्व किया, सॉल्व करके डेल्टा जेड आया। मतलब कि प्लस और माइनस करना आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, एरर्स को भी उठा के क्या कर देना है, ऐड। डिवीजन के अंदर पहले दो नंबर को तो क्या कर देना है, डिवाइड, और डेल्टा जेड निकालने के लिए बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ये पांचों वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, तो क्या आएगा, डेल्टा जेड। फिर फाइनल आंसर होगा, जेड तो था 2/3 और डेल्टा जेड कितना आया, 0.077। कोई डाउट इसमें? ये लो, ये गिवन है, क्या निकालना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड क्या है इसमें, जब नंबर डिवाइड होते हैं तो 2/3, 2/3 जेड आ गया, क्या निकालना है, डेल्टा जेड। डिवीजन में फॉर्मूला क्या है, ये इसे लिख लो, लिख लिया, मतलब लिख लेना डेल्टा ए, ये रहा ए, डेल्टा बी बी, डेल्टा ए डेल्टा बी बी की जगह, जेड किसके इक्वल है, 2/3। इसको सिंपलीफाई कर लेना, डेल्टा जेड आएगा, पुट कर लेना, आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आया आपको कि कैसे इस क्वेश्चन में डेल्टा जेड निकलेगा, चेक करो प्लीज। लंबा है ना, डिवीजन लंबा है ना, एडिशन आसान है, सब्ट्रैक्शन आसान है, और डिवीजन थोड़ा सा लंबा है। कोई टेंशन नहीं है, आसान क्वेश्चन आता है इसमें, आप चिंता ना करो, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने को आएगी नहीं, मैं से बता दूं, कुछ और आएगा, बताता हूँ वो क्या आएगा। पर आपको मेथड समझ में आया, ठीक। लास्ट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मुझे टाइम बता देना, टाइम क्या है, 55 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप प्रूफ करो या ना करो, बता देता हूँ आंसर वही आएगा जो डिवीजन का है। तो अगर नहीं भी करते तब भी मैं बता सकता हूँ, पर अब कर भी लेंगे नुकसान नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल चाहिए थी वो सीख ली, आधी कैलकुलेशन डिवीजन की है। कैसे? अगर दो नंबर ये करेक्ट, ये करेक्ट, तो ये भी करेक्ट। अगर ए विद एरर, बी विद एरर, तो जेड भी विद एरर। इसमें से ए कॉमन, तो ये बना 1, ये बना डेल्टा ए बाई ए। इसमें से बी कॉमन, तो ये बना 1, ये बना डेल्टा बी बाई बी। तो ए और बी इकट्ठे कर लिए, राइट। ए और ए इंटू बी, यहां पर क्या है, जेड, तो इसकी जगह जेड। इस जेड को इसके नीचे ले आए, तो जेड बाय जेड क्या होगा, 1, और ये क्या होगा, डेल्टा जेड बाय। इस जेड को हटा दिए ना, इसके नीचे ले आते हैं, तो ये टर्म आ गई, तो ये टर्म आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हमेशा की तरह ये वाली टर्म क्या होती है, बहुत छोटी, कैन बी निगलेक्टेड, उड़ा दो, उड़ा के 1 से 1 कैंसल, सेम आंसर। प्रूफ तो करना ही नहीं है, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का एरर का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा। ये देखो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दो नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बताओ जेड क्या आएगा, 2/3, 6। जेड तो आसान है ना, जेड तो एक मिनट में आया, 2/3, 6।
मेन प्रॉब्लम क्या है? डेल्टा जेड। तो जेड तो आ गया 6, डेल्टा जेड निकालने के लिए वही बड़ा फॉर्मूला रिलेटिव एरर वाला, डेल्टा जेड निकालना है, जेड कितना है 6, डेल्टा ए कितना है 0.1, ए कितना है 2, डेल्टा बी और बी चारों वैल्यूज पुट, 6 इधर चला गया, इसको सॉल्व किया, डेल्टा जेड आया, डेल्टा जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी और जेड तो आपको पता ही है 6 है आंसर। ऐसे यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, जेड की कैलकुलेशन में फर्क है, डिवीजन में ए अपॉन बी करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी करना पड़ेगा, पर एरर की कैलकुलेशन दोनों की एग्जैक्टली सेम है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया यहां तक? अगर आप ये सोच रहे हैं ये तो बड़ा हेक्टिक काम है यार, डिवीजन करना पड़ेगा, बहुत कम क्वेश्चन आएगा उसमें से भी, अब यार कैसा कोर्स है यार, ये बहुत क्वेश्चन कैसे आएगा? बेस है वो, क्वेश्चन इस पे आएगा, अब पहली बार बोला हूं क्वेश्चन इस पे आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट इस पे, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको यूज करना आएगा। देखो क्या मार्किंग करते रहनी है पूरी बुकलेट के अंदर भी, शीट्स के अंदर मार्किंग पूरी करनी है, हाईलाइटर लगा लेना, चाहे मैं बुकलेट दूंगा ना उसमें हाईलाइटर लगाना, वो ब्लैक एंड वाइट सी है, मेरी रंगीन है, आपकी ब्लैक एंड वाइट एक जैसी दिखती है, आपको आपको कलर करनी पड़ेगी, तो इंपॉर्टेंट वाले को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, जहाँ फॉर्मूलाज है हाईलाइट कर लेना उसे, ठीक है? अगली बार बुकलेट दूंगा उसमें मार्किंग करते जाना, क्योंकि जब रिविजन होती है ना तो हाईलाइट वाला जल्दी दिखता है, समझ में आ जाता है कि हाँ ये मुझे देखना है, ठीक, कि क्या, जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, अब आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो देखो, अगर मान लो हमने क्या ऑपरेशन किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर का क्या करना है, अगर एक्सपोनेंट्स हो, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स, जैसे ए की करेक्ट वैल्यू, बी करेक्ट वैल्यू विदाउट एरर, सी विद विदाउट एरर, डी विद विदाउट एरर, और इनकी भी पावर्स हैं, पी क्यू आर एस पावर्स हैं, और सब करेक्ट हैं तो आंसर भी करेक्ट आएगा। पर सोचो अगर मैं ए में एरर डाल देता, कितना, ए प्लस डेल्टा ए, बी में बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सी में सी प्लस माइनस डेल्टा सी, और डी में प्लस माइनस डेल्टा डी, तो जेड में भी क्या आता, एरर आता। वो एरर क्या आता उसका प्रूफ नहीं करेंगे, अब बहुत कर लिया प्रूफ, सीधा फॉर्मूला नोट करो, क्या फॉर्मूला ध्यान से देखना प्लीज, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों हो रही है, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रही है और यहाँ पर डिवीजन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो पावर्स को दो मिनट भूल जाओ, पावर्स अगर ना होती, सिंपली क्वेश्चन ऐसा होता कि जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी सी इंटू डी, और अगर मैं कहता कि देखो मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन भी, तो एरर का रूल क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी, बताया ना मैंने, क्योंकि टर्म मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवाइड भी हो रही है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो एरर रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं, तो मैंने सीधे ऐड कर दिए, क्लियर है यहाँ तक? पिछले रिजल्ट्स को यूज करके सीधा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बना दिया मैंने, कोई डाउट इसमें? और अगर इनकी पावर्स भी हैं, जैसे ए की पावर क्या है, पी, अब ए यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पी टाइम, तो एरर्स भी कितनी बार एक्सपोनेंट हो जाएगा, पी टाइम्स। तो आपने क्या करना है, इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है, फाइनल लिखना है जेड में एरर क्या आएगा, डेल्टा जेड बाय जेड, ए में एरर आएगा डेल्टा ए बाय ए, जो पावर है इस एरर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एरर क्या आएगा इसमें, पी इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस इसमें क्या आएगा, क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस एस इंटू डेल्टा डी बाय डी। हमने प्रूफ नहीं किया, बनता तो बहुत बड़ा प्रूफ है इसका, कौन करेगा बाइनोमियल लगा लगा के, सीधा रिजल्ट किया। जैसे जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आया z इज इक्वल टू, मान लो t का स्क्वायर g रेज टू पावर 3 और मान लो q रेज टू पावर 5, ये अपने मन से मैंने फॉर्मूला बना दिया। मैंने पूछा कि इस एक्सपोनेंट रूल को देखते हुए आप क्या करें, एरर का फॉर्मूला बनाएं, तो बोलो क्या आएगा इसमें, डेल्टा
जेड बाई जेड इज इक्वल टू टू इन टू डेल्टा टी बाई टी प्लस थ्री इन टू डेल्टा जी बाई जी प्लस फाइव इन टू डेल्टा क्यू बाई क्यू. क्या स्टेप क्लियर है? फॉर्मूला लिखना आ गया, ठीक है. वैसे एक बात बताऊं, काफी टीचर्स ये करवाते नहीं प्रूफ वगैरह. वो पता क्या कहते हैं, कह रहे एक्सपोनेंट का फॉर्मूला तो आ ही गया, जैसे z इज इक्वल टू a अपॉन b है. अरे ये भी तो एक्सपोनेंट है, इसकी पावर क्या है? वन. इसकी पावर क्या है? वन. लगाओ एक्सपोनेंट का रूल, बोलो क्या, डेल्टा वन इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस वन इंटू डेल्टा, बन गया ना वही फॉर्मूला सेम. तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का. तो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई फर्क कहाँ है? कोई फर्क थोड़ी ना है. तो काफ़ी लोग बस वो एक फॉर्मूला बताते हैं और बन गए फॉर्म, चैप्टर स्टार्ट हो जाता है. मैंने थोड़ा आधा पौना घंटा लगे प्रूफ बता दिया आपको, और साथ में ये भी बता दिया, प्रूफ बता तो दिया लेकिन रिक्वायरमेंट है नहीं. बट मेरा ये मानना है, कल को कोई आप ऑब्जेक्टिव बुक कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें उस प्रूफ में से कुछ अगर चीज़ यूज़ हो जाती है तो आपको स्टेप्स पता है उसको कैसे करना है. आपका लेवल उस स्टूडेंट से ऊपर उठ चुका है जो सिर्फ फॉर्मूला देख के क्वेश्चन सॉल्व करता है, और जिसको इसके पीछे की हिस्ट्री पता है वो क्वेश्चन सॉल्व करता है. हल्का सा ट्विस्ट आएगा तो एटलीस्ट अगर मैं कोई स्टेप लेता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या किया, ठीक. इसलिए मैं प्रूफ एक्सप्लेनेशन साथ साथ देता हूँ, चाहे रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी देता हूँ, लेकिन साथ में बता देता हूँ भाई रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस ना लगे कि यार ये भी करना पड़ेगा. तो आपको टेंशन नहीं है, ये नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये करना पड़ेगा. लिखना आ रहा है, ठीक है यहाँ तक? जैसे फिर लिखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. फॉर्मूला है, ठीक. बनाओ इसका फॉर्मूला एक्सपोनेंट का. तो पहला स्टेप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 2 पाई, एल की पावर क्या है, g की पावर क्या है, हाफ. ये तो बंद कर सकता हूं ना, हाफ हाफ कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहां तक? अच्छा ये बताओ, अब मैं रूल लगाऊं अपने एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंगली बोलो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा टी बाई टी. कोई डाउट इसमें? क्लियर है? टू में क्या आएगा, डेल्टा टू बाई टू. अरे डेल्टा टू, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज इन वैल्यू ऑफ टू. बट टू तो कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट में कोई चेंज होता ही नहीं, तो डेल्टा टू क्या होगा, जीरो. टू इज अ कॉन्स्टेंट ना, हमने कैलकुलस में किया था, और डेल्टा का मतलब चेंज. तो मैं पूछ रहा हूं कि टू इज अ कॉन्स्टेंट और डेल्टा टू का मतलब बताओ टू में चेंज कितना है. यार आप कहोगे टू तो कॉन्स्टेंट, तो चेंज क्या आएगा, जीरो. इसीलिए जब एक्सपोनेंट के रूल लगते हैं, जब मैं ये रूल बनाता हूं एरर्स का, तो कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर नहीं करता. कब? जब मैं क्या लगाता हूं, एक्सपोनेंट का एरर्स का रूल फॉर्मूला बनाता हूं. तो जब मैं एरर का फॉर्मूला बनाता हूं तो मैं इस कॉन्स्टेंट के अंदर एरर को कंसिडर नहीं करता. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू एल की पावर क्या है, हाफ. तो हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी. कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कॉन्स्टेंट को तो लेना ही नहीं है कभी भी, वो आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट देगा, पर कॉन्स्टेंट को कंसिडर ही नहीं करना आपने. तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा टी बाई टी हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो एक्सपोनेंट का रूल समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है? अच्छा फिर देखो, सपोज एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. बोलो लगाओ रूल क्या लगेगा, डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेल्टा ए बाई ए इज डेल्टा एल बाई एल डेल्टा बी बाई बी. लिखने आ गए फॉर्मूला, 90% चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया, फॉर्मूला लिखने की गेम होती है बस. ठीक है यहां तक? तो मेरे इस क्वेश्चन में ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया. अब आखिरी क्वेश्चन करेंगे और क्लोज करेंगे इसे. इसके एप्लीकेशन न्यूमेरिकल रह गए, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम होने हैं. इसके एक न्यूमेरिकल करा के भेजता हूं, क्वेश्चन आते कैसे हैं पेपर में. आपको इस क्वेश्चन में ऐसा आएगा, गिवन होगा, आपको कहेगा परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज 2%. परसेंटेज एरर को लिखते कैसे हैं, रिलेटिव एरर
इंटू 100 सिखाया था ना। अगर मैं कहूँगा व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज परसेंटेज एरर इन बी, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। मैं बोलूँगा व्हाट इज परसेंटेज एरर ऑफ सी, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, तो क्या दे रहा है? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज 2%। परसेंटेज एरर इन बी इज 3%, का मतलब डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 इज 3%। परसेंटेज एरर इन सी इज 4%, का मतलब डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 इज 4%। कि गिवन समझ में आ रहा है? जब स्टेटमेंट देगा तो इसका मतलब क्या है, कोई डाउट इसमें? फिर वो आपको एक फॉर्मूला देगा, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला दे दिया। क्या कह रहे हैं? फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जेड। तो क्या निकालना है बोलो? डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100। क्या स्टेप क्लियर है? तो क्या निकालना है? डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100। कोई डाउट इसमें? तो करें स्टार्ट। पहला रूल, ये फॉर्मूला देख के रूल बनाओ एरर का। बोलो इस फॉर्मूले को देखते हुए, डेल्टा जेड बाय जेड 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 4 है। फिर काम करना है, ये फ्रैक्शनल एरर्स हैं, काम परसेंटेज में होना है। 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। 100 से किया, इधर भी हर टर्म को 100 से किया, कोई फर्क नहीं। क्या गिवन है? परसेंटेज एरर इन ए गिवन है 2%, परसेंटेज एरर इन बी गिवन है, परसेंटेज एरर इन सी गिवन है। तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज एरर इन क्या जाएगा? जेड आ जाएगा ऐड करके 36%। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मिनट में सॉल्व होंगे, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, परसेंटेज में ऐसा आता है। तो फॉर्मूला लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये सब गिवन होते हैं और ये निकालना होता है। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? बस एरर में सिर्फ और एक घंटा लगेगा, खत्म एरर, एक और चैप्टर अगली बार। है कि नहीं कमाल की चीज? ठीक है, अगली बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, थ्योरी खत्म हुई है। तो नेक्स्ट टाइम इसको लाइव यहीं पे बैठ के करेंगे न्यूमेरिकल, और कोशिश करेंगे अगली बार खत्म हो जाएगा हमारा, एक शीट होमवर्क होगी, काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ओके, जा सकते हो।